आज के इस परिचर्चा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये जो विषय है ये आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत कंट्रोवर्शियल सा और थोड़ा सा अनइजी सा लग सकता है, लेकिन जैसे ही इस विषय की परतें दर परत आप खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा कि ये विषय वस्तुतः यही एक विषय है जिसके ऊपर हमें बार बार चर्चा करनी चाहिए थी, और इस विषय को समझने के बाद हमें इतिहास के पुनर्लेखन की बड़ी आवश्यकता थी जो नहीं किया गया। हालांकि प्रयास होते रहे जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेकिन वो मुख्य धारा में अभी तक अकादमिक मुख्य धारा में वो लोग नहीं आ पाए, तो ये अपने आप में एक बहुत विषय जो है कंट्रोवर्शियल होने के साथ साथ, लेकिन अकादमिक स्तर पे क्योंकि हम लोग इसको रखते हैं तो इसलिए इसमें मुझे लगता नहीं कि हमें किसी तरह का कोई भय करने की जरूरत है कि लोग कैसे सोचेंगे कैसे समझेंगे, कुछ लोगों को हर्ट होगा कि नहीं होगा। तो अस्तु, बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं देना मैं चाहता क्योंकि मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो इस सारे विषय के ऊपर जो है आप लोगों से विस्तृत चर्चा जो है करेंगे। तो उससे पूर्व कि मैं मुख्य वक्ता का आप लोगों से परिचय कराऊं, मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो मैं इस बात को स्वीकार करना चाहता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं अपने दो साथियों का जिनसे मैंने इस सारे विषय की जो सामग्री है उसको उनसे लिया है। एक तो श्री नीरज अत्री जी हैं जो डायरेक्टर हैं काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव स्टडीज के पंचकूला से। उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उनसे मुझे बहुत सारा जो है विषय सामग्री मिली। और दूसरा मैं प्रोफेसर डॉक्टर राजीव लोचन जी जो इतिहास विभाग पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से हैं, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और स्वीकार करता हूं कि बहुत सारी विषय सामग्री मैंने उनसे भी ली है। हालांकि ये विषय सामग्री जो है अनेक जो समय समय पे होने वाले हमारे सेमिनार्स थे और वर्कशॉप्स थी ये उनके आधार पे ली गई है, क्योंकि हिंदू हिस्ट्री के ऊपर जब वर्कशॉप की थी तो कुछ मटेरियल हमें उसमें से भी मिला। एनीवे, तो सीधे सीधे इस विषय की ओर अग्रसर होते हैं ताकि हम समय को भी बचा सकें। और आप लोग अपना ध्यान स्क्रीन पे रखिएगा क्योंकि सारा कुछ मैं नहीं पढ़ूंगा, बाकी आपको साथ में साझा कर दूंगा पीपीटी भी और बाकी स्क्रीन भी। तो हमारे सामने प्रश्न ये है, जो अकादमिक प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि क्या जो इतिहासकार हैं उन इतिहासकारों ने अपने धर्म का पालन किया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर संप्रदाय, और वो संप्रदाय कौन से हैं, लेफ्टिस्ट लिबरांडो सेकुलर ईटीसी ईटीसी जितने और संप्रदाय हो सकते हैं, हैव दे फॉलोड देयर धर्मा और हैव दे बैकस्टैब देयर धर्मा टू परस्यू देयर एजेंडा और अल्टीरियर मोटिव्स, एंड दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ अटमोस्ट कंसर्न फॉर एवरी भारतीय, क्योंकि इतिहास ने आगे हमें परिभाषित किया है, इसलिए ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस प्रश्न को हम पकड़ के रखें, लेकिन निश्चित रूप से अकादमिक दृष्टि से ही इसको हमने लेना है। आपकी परंपरा ये कहती है, अब यो मैं विषय आपके साथ साझा कर रहा हूं, आपकी परंपरा तो कहती है नामूलम लिखते किंचित नान अपेक्षित मुच्यते किंचित, कि कुछ भी बिना मूल के बिना प्रमाण के कुछ कभी कुछ नहीं लिखना और अनपेक्षित भी कभी कुछ नहीं कहना, ये तो मेरी संस्कृति के आधार है। और मैं अब चाहता हूं कि आप लोग इस ओर ध्यान दें कि क्या इतिहासकारों ने इस परंपरा को देखा समझा या इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये जो सामने आप अपने देख रहे हैं, ये जो चीजें देख रहे हैं ये सारे के सारे हैं कि इधर क्लासेस दी हुई हैं 6 से लेकर 12 तक की जो कि एनसीईआरटी सीबीएसई में पढ़ाई जाती हैं, ये उनके पेज नंबर हैं। और इन पेजेस में इतिहास के इन पेजेस में अगर आप देखना शुरू करें तो आपको सारी की सारी सजेस्टिव हिस्ट्री मिलेगी जिसमें कहीं कोई प्रमाण नहीं दिया गया। ये जो रिमार्क्स हैं ये रिमार्क्स इसीलिए हैं कि इसमें कहीं कोई प्रमाण है या नहीं है, इस बात को मैं आप लोगों के साथ अगले कुछ एक मिनट में साझा करूंगा। देखिए सजेस्ट क्या किया हुआ है, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया, लेकिन सजेस्ट क्या किया गया है, ब्राह्मण्स वर नेपोटिस्ट ऑफ वर्स्ट काइंड,
इसका प्रमाण अगर आप उनसे पूछेंगे कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। और ये प्रमाण मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं क्योंकि आरटीआई में जब ये प्रमाण मांगे गए तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। ब्राह्मण का सिक्स क्लास में आप बच्चों को कैसे पल्यूट करते हैं, कैसे बैक स्टेप करते हैं, कैसे उनको आप अपने ही प्रति निंदा का भाव सिखाते हैं। देवर टू रिसीव गिफ्ट्स, दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। आप और देखिए सेवंथ क्लास में बच्चे का ब्रेन वॉश कैसे करते हैं। ब्राह्मण्स वर रिस्पेक्टेड नॉट बिकॉज ऑफ नॉलेज बट फ्रुगल लाइफस्टाइल। और केवल ये ही नहीं, आप ये देखें सेवंथ क्लास में बच्चे को आप सिखा रहे हैं कि इस्लामिक ऑर्डर वॉज प्रेज्ड, वहां पर ये पढ़ा रहे हैं कि इस्लाम बहुत ग्रेट था। आप और देखिए क्रिश्चियनिटी को वो प्रोग्रेसिव बता रहे हैं, और साथ ही साथ ट्वेल्थ क्लास में तो आपको इतने सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। ये तो मैंने बहुत कम से केवल एक दिग्दर्शन कराने के लिए आप लोगों के सामने ये पुस्तकों के उन पृष्ठों को अंकित किया है जहां पर इस तरह की जो है इतिहास को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। आप इतिहास के 122 पेज पे पढ़ेंगे पुर्तगीज वर गुड सच एस रोबर्टो नोबिली। आप ये देखिए सूफीज एलोजाइज्ड पर्टिकुलरली मोइनुद्दीन चिश्ती, और आप उसका इतिहास देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आप उस पर फक्र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब इस दृष्टि से जब आप हिस्टोरियंस को एक डूअर के रूप में, एक इंजॉयर के रूप में और एक नोअर के रूप में एवेल्युएट करने लगते हैं तो आपको उनके प्रति अनास्था होने लगती है और आपके सामने इस तरह के प्रश्न उभरने लगते हैं कि क्या हमारे इतिहास के साथ इन्होंने न्याय किया। और जब आप, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो सकता है आप लोगों के साथ भी हुए हो, मुझे भी कुछ अनुभव इस तरह के हुए जिसमें से जो बड़े हैवी वेट हिस्टोरियंस अपने आप को कहते रहे उनके साथ जब कभी बात हुई तो मुझे उनकी बात में ह्यूमन प्रिजम्पशंस, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस और सेल्फ राइटियसनेस का ही भाव दिखाई दिया। उनका इंटेलेक्चुअलिज्म केवल इसी चीजों पर निर्भर कर रहा था, इस तरह का उनका व्यवहार मैंने देखा। नहीं तो मेरी दृष्टि में व्यवहार वो होना चाहिए था जो बड़ा विनम्रता पूर्ण होता। कुछ चीजें और देख लेते हैं, उसके बाद मैं मुख्य वक्ता से आपका परिचय कराता हूं जल्दी से, और आप स्क्रीन के ऊपर दृष्टि रखिए। ये तो देखिए कि डिस्टॉर्शंस कितनी तरह की उन्होंने की हैं हमारे साथ, हमारे इतिहास में, कि आर्यन इन्वेजन के डिस्टॉर्शन, आर्यन द्रविड़न वॉर्स को किस तरह से प्रस्तुत किया और एक तरह से सारी की सारी वैदिक एज को कॉन्फ्लिक्ट की रूप में प्रस्तुत किया। दूसरा जो डिस्टॉर्शन मेडिवल हिस्ट्री में आकर के वो दिखाते हैं कि आपस में राजा लड़ते रहते थे और वो मुगलों के कारण एज ऑफ सिंथेसिस बन गई। तीसरी तरह की डिस्टॉर्शन को अगर आप देखें कि किस तरह से सारे हमारे सेक्रीफाइसेस को, कांग्रेस के ब्लंडर्स को, उनको सब वाइट वॉश कर दिया गया और केवल जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके से इतिहास को प्रमोट किया गया। चौथे प्रकार का भी आप डिस्टॉर्शंस देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कि किस तरह से जो नेहरू के और बहुत सारे जितनी घटनाएं घटी हैं चाइना वॉर के साथ लेकर के 1972 की वॉर्स, उसमें क्या क्या ब्लंडर्स हुए हैं, उन सबको क्या है समाप्त कर दिया गया, वो सबके ऊपर पोछा फेर दिया गया। तो कुल मिलाकर के मैं ये सारा नहीं पढ़ रहा, लेकिन आप ये देखिए कि 10 तरह की मिथ्स और लाइज जो हैं वो हमारे इतिहास में प्रोपेगेट की गई हैं और आज भी पढ़ाई जा रही है। इंडिया वॉज नेवर ए नेशन, कभी राष्ट्र था ही नहीं। और कमाल की बात है, जिनको मैं अभी रेफर कर रहा था, जिस स्टालवर्ट ऑफ हिस्ट्री, वो राष्ट्र का अर्थ करते थे गांव, और भरी सभा में जहां पे उनके बाकी चेले चापते बैठे थे वो राष्ट्र का अर्थ कि गांव, कोई ये नेशन नहीं होता, इस तरह की वो बातें करते थे और अपने को हिस्टोरियन कहते थे। इंडिया हैज ऑलवेज फेस्ड डिफीट्स एट द हैंड्स ऑफ इन्वेडर्स, हमने कितना रेजिस्ट किया है, कितने संघर्ष और किए हैं, उन सबको साफ कर दिया। तो इसी तरह से ये बाकी और सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इनको नहीं पढ़ रहा। औरंगजेब वॉज नॉट ए क्रूअल रूलर, क्या अजीब बातें। और जो मैं बात आपसे पहले कह रहा था, जो मैंने आपको ये दिखाए पीछे की सारे पेजेस, तो वहां पर एक और व्यक्ति ने जो आरटीआई मांगी, उस आरटीआई को आप जवाब देखिए कि फाइल एनसीईआरटी टू डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ क्लेम इन एनसीईआरटी बुक्स दैट द हिंदू टेंपल्स डिस्ट्रॉयड बाय द मुगल आर्मीज वर रिपेयर्ड बाय द मुगल ग्रांट्स वंस द वॉर वॉज ओवर एंड द एनसीईआरटी रिप्लाई इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। और आप ये देखिए कितनी आरटीआई हम लोगों को और लगानी पड़ी होंगी, मेरे मित्रों को,
जहां पर उत्तर नकारात्मक मिले। सब ऐसे लोगों को हम देखते हैं और ऐसे इतिहास को देखते हैं तो ध्यान आ जाता है, बहुत इतिहास ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाले डॉक्टर के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मैंने उनको सारा पढ़ा और मुझे लगता है कि वो इतिहास, वस्तुतः उस इतिहास के कारण हम आज भी अपने इतिहास के ऊपर फक्र और गर्व कर सकते हैं। वो खुद लिखते हैं, द सेंट्रल पर्पस ऑफ हिस्ट्री मस्ट देयरफॉर बी टू इन्वेस्टिगेट एंड अनफोल्ड द वैल्यूज विच एज आफ्टर एज हैव इंस्पायर्ड द इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री टू डेवलप देयर कलेक्टिव विल टू एक्सप्रेस इट थ्रू मैनी फोल्ड एक्टिविटीज ऑफ देयर लाइफ। सच अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज स्टिल टू बी रिटन। तो ये डॉक्टर के एम मुंशी हैं, हालांकि इतिहास के हाशिए में भी इनको नहीं रखा गया है। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमने जिन विद्वान वक्ता को आमंत्रित किया है और उन्होंने हमारा निमंत्रण सादर स्वीकार किया है, डॉक्टर रवि शंकर जी, जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज न्यू दिल्ली और साथ ही वो एडिटर हैं गगनाचल रिसर्च जर्नल ICCR के। डॉक्टर साहब जो हैं वो मूलतः रसायन शास्त्र से उन्होंने BSc किया, जो साइंस की बैकग्राउंड से हैं, और उसके बाद साइंस से होते हुए वो पत्रकारिता में चले गए और वहाँ पर गांधीयन थॉट में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया और उसके बाद धीरे धीरे अपने संस्कृत का भी अध्ययन किया और पत्रकारिता के साथ जुड़े रहे और साथ ही साथ उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, कई शोध पत्र लिखे जो कि आपको नेट पे भी अवेलेबल होंगे और वैसे भी उनकी पुस्तकों में उपलब्ध हो जाएगा। उनकी विशिष्ट जो पुस्तकें हैं उनसे मैं आपको जरूर अवगत कराना चाहता हूँ। उनकी पहली पुस्तक राष्ट्रवादी पत्रकारिता, जो कि भोपाल माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशन है। फिर दूसरी पुस्तक भारत में यूरोपीय यात्री उद्देश्य वर्णन और यथार्थ, ये दूसरी उनकी पुस्तक प्रकाशित। तीसरी ऐतिहासिक कालगणना, ये तीसरी उनकी पुस्तक है। और फिर भारत वैभव एक पुस्तक आई जिसमें वो शोध परामर्श के रूप में भी रहे और उसमें दो अध्याय भी उन्होंने लिखे। इसके अतिरिक्त आप उनके व्यक्तित्व को विस्तृत आयाम देख सकते हैं, जहाँ पर गाय के आर्थिक, वैज्ञानिक, पर्यावरण आदि विभिन्न आयामों पर 5 खंडों के शोध ग्रंथ का संकलन और संपादन किया है। और ये निश्चित रूप से ये विषय हम फिर कभी लेंगे निकट भविष्य में, क्योंकि गाय के आधार पर जो हमें इकोनॉमिक्स डेवलप करनी चाहिए थी, एग्रीरियन इकोनॉमिक्स, वो नहीं हुई, तो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। और चाणक्य पथ जो है वो चौथी पुस्तक जो है वो उसका उन्होंने संपादन किया, और इसी तरह से आयुर्वेद से उनका विशेष संबंध है। मैंने विशेष रूप से उनको इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि इतिहास की जो अंतर्दृष्टि है उसको वो जितनी सूक्ष्मता से और स्पष्टता से समझते हैं और जितनी प्रखरता से वो प्रस्तुत करते हैं वो निश्चित ही प्रशंसा के योग्य है। तो निश्चित ही आप जब उनको सुनेंगे तो आप देख पाएंगे कि उनका ज्ञान की व्यापकता कितनी है और उनके आर्गुमेंट्स में, उनके तर्कों में कितनी जो है वो सशक्तता है। लेकिन इससे पूर्व कि मैं उनको सीधे आमंत्रित करूं, मैं 2-4 बातें और आप लोगों के साथ कर लूं। जब मैं धन्यवाद कर रहा था प्रोफेसर डॉक्टर राजीव लोचन जी का और श्री नीरज अत्री जी का, तो उसके पीछे कारण ये था कि देखिए हमारे देश में हिस्ट्री को लिखा कैसे गया। उसमें 5 जो है वो हिस्ट्री लिखने के 5 प्रकार रहे हैं। ये ओल्ड वे ऑफ डूइंग हिस्ट्री क्या है, जिसमें कि इरफान हबीब जैसे जो स्टालवर्ट ऑफ हिस्ट्री हैं, उन्होंने कहा, ये बात अपने को कही है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, उन्होंने प्लेटिनम जुबली ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में RSTV की इंटरव्यू में ये बात कही है। वो क्या कहते हैं कि पहले फैक्ट्स को कलेक्ट करो, चूज हिस्टोरिकल फैक्ट्स, और अगर आपने 5,000 तथ्यों को चुना है तो उसमें से केवल अपने एजेंडा के अनुकूल 500 तथ्यों को चुन लें और बाकी जो हैं 50 तथ्यों को चुन के बाकी जो 400 तथ्य हैं उनको आप छोड़ दो। उनका क्या करना है वो नहीं कहते, लेकिन अपने एजेंडा के अनुकूल जो है वो अपने तथ्यों को वो चुनने की बात करते हैं। ये एक इतिहास को लिखने का हमारा तरीका रहा है। दूसरा तरीका आप देख सकते हैं, ये भी बहुत बड़े इतिहासकार के नाम से प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर हरवंश मुखिया जी, और वो क्या कहते हैं कि कैसे हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए। हिस्टोरियन शुड एंश्योर दैट
their analysis is politically correct. A conclusion that is not politically not correct politically will never be a valid conclusion in history. An analysis that is not politically sound is incorrect. ये आप दूसरे देख सकते हैं कि ये इतिहास को लिखने का एक ये पक्ष है. तीसरा पक्ष भी आप देख लीजिए कि बहुत सारे ये अनुभव आप लोगों ने भी किया होगा, रिसर्च दैट वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब आप सरस्वती निधि की बात करने लगेंगे वो इतिहासकार उसको रिजेक्ट कर देते हैं, राम सेतु की बात करेंगे उसको रिजेक्ट कर देंगे, भारत नेम्ड भारत इंडिया नेम भारत सब रिजेक्ट हो जाएगा, डज इंडिया एग्जिस्ट, ये सारे विक्रमादित्य, ये बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर को चर्चा करके राजी नहीं थे, आप बात ही नहीं उठा सकते थे. ये तो अब वक्त आया है कि हम लोग इतनी खुल के बात कर पा रहे हैं. तो आप ये देखिए कि कितनी प्रोहिबिशंस थी इस तरह की रिसर्च के ऊपर. चौथा तरीका भी आप देख लीजिए कि कुछ रिसर्चेज ऐसी थी जिनको रिजिस्ट किया जाता था कि भाई उसके ऊपर जो है वो चर्चा करने की जरूरत नहीं है. व्हाट वाज द मैनर ऑफ एम्पावरमेंट एज एग्जेम्प्लीफाइड बाय अहिल्या भाई होलकर और बेगम्स ऑफ भोपाल और रानी दुर्गावती. फॉर फियर इज दैट द रिजल्ट माइट ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग नोशंस ऑफ डाउनट्रोडन वुमेन. व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन वर्क, कभी इतिहास में पढ़ाया उन्होंने, यही पढ़ाया गया कि स्त्रियों के ऊपर अत्याचार कर दिए, स्त्रियों को जला दिया. लेकिन अहिल्या बाई होलकर की हम बात नहीं करेंगे, रानी दुर्गावती के बारे में बात नहीं करेंगे. और इसी तरह से आप ये बाकी सारे देख सकते हैं, मैं इनको नहीं पढ़ रहा अभी आपके लिए क्योंकि समय लग जाएगा. लेकिन ये सारी की सारी बातें हैं जो रिसर्च ICHR की रिसर्च में कभी भी इंक्लूड नहीं किया गया. पांचवा भी आप पक्ष देख लीजिए कि ए फ्री सर्च फॉर नॉलेज, क्या ये थी कभी ICHR का? अगर आप इतिहास देखने लगेंगे और भी जहां जहां पर इतिहासकारों का एक खास किस्म के संप्रदाय के इतिहासकारों का वर्चस्व था, उन्होंने कभी फ्री नॉलेज को कभी प्रमोट किया? कभी भी नहीं प्रमोट किया. इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण मैं भी, जो कि आप लोगों के साथ मैं बाद में शेयर करूंगा. ओनली द सर्च फॉर नॉलेज दैट इज अप्रूव्ड बाय द ICHR इज करेक्ट और else is incorrect, क्योंकि मैं उसमें से एक भुक्तभोगी हूँ. Basically, the traditional way of doing history in India made it handmaiden of politics. As a result, historians lobby and their kind of history soon lost its relevance and legitimacy. अब हम तभी तो प्रश्न उठा रहे हैं उनके ऊपर, नहीं तो प्रश्न उठाने की हिम्मत ही कौन कर सकता था. तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारी चीजें हैं जिन विषयों को हमें देखना है, समझना है, लेना है. मैं इसको नहीं पढ़ रहा, इसको मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए. तो ये कुल मिलाकर के ये मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था. इसको आपने पढ़ के ही आए हैं और आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी होंगे. लेकिन उन प्रश्नों से पूर्व हम आज के मुख्य वक्ता को हम सुनेंगे और किस तरह से वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और इस सारी जो एक कॉकस बनाया गया हिस्टोरियंस का, लॉबी बनाई गई हमारे ही अगेंस्ट, अपने भारत के ही विरोध में, उस सारे को समझने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आज के मुख्य वक्ता श्री डॉक्टर रविशंकर जी को, कि वो हमें इस विषय में निर्देश करें. ये जो आखिरी स्लाइड आप देख रहे हैं, ये मैंने दिखा दी, ये एक प्रेजेंटेशन के दौरान था कि जहां पर हिंदू हिस्ट्री के ऊपर हम बात कर रहे थे. तो हिंदू किसको आप हिंदू कहेंगे? अगर आप उन इतिहासकारों से पूछें कि दास जो होते थे, जिनको आप दास कहते हैं, वो हिंदू थे, अनार्य हिंदू थे, द्रविड़ हिंदू थे, आर्य हिंदू थे, और बहुत सारे प्रश्न हैं. आप स्वयं से भी ये प्रश्न कर सकते हैं कि आप हिंदू इनमें से कौन से वाले हिंदू हैं. और इसका एक पांचवा पक्ष और है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जो मुसलमान नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, वो हिंदू है. तो एनीवे, उन सब चीजों को हम बाद में लेंगे. मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर साहब को कि वो अपनी चर्चा हमारे साथ आरंभ करें. डॉक्टर साहब, मंच आपके लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी. मेरी आवाज जी जी बिल्कुल स्पष्ट है. हाँ ठीक है. आपने बड़ा ही विलक्षण विषय रखा है. ये आवाज मेरी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है. हो सकता आपने कोई और साथ में कोई रखा हुआ हो ना, आपने दो डिवाइस खोली होंगी.
एक का स्पीकर ऑफ कर लीजिए अगर दो से अगर आप जुड़े हुए हैं तो। स्पीकर हाँ, एक का स्पीकर ऑफ कर लीजिए। एक ही से जुड़ा हुआ। अच्छा, फिर नहीं गूंजनी चाहिए तो थोड़ा सा वॉल्यूम अपना लो कर लीजिए। और क्या, एक बार और चेक कर जी। आनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ इको है, बाकी लोगों को भी आ रही है। तो पहला प्रश्न यही है कि विश्वास कौन कर रहा है। दोबारा म्यूट करके वो ऑफ करके दोबारा जुड़ी आपने। अब ठीक है? नहीं, गूंजी तो है अभी। मैं दूसरा नहीं, ठीक रहेगा। आप लैपटॉप से वैसे गूंजनी तो नहीं चाहिए आपकी आवाज। फर्स्ट टाइम जी। अब आप अनम्यूट कर लीजिए अपने। स्पीकर की वजह से है, लैपटॉप का या जिसका भी है उसका। हाँ, अब आप अनम्यूट कर लीजिए। अभी ठीक है? अभी ठीक है। आप कुछ आप देखिए,
कुछ घटनाएं चुन रहे हैं और उन चुनी हुई घटनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या आ रहा है ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरा आप देखेंगे महाभारत जब हम पढ़ेंगे, वो गीता प्रेस की महाभारत उठा लीजिए, वहां उसमें प्रारंभ में ही एक आपको वर्णन मिलेगा कि नैमिषारण्य में सारे ऋषि मुनि जमा थे और वहां लोमहर्षण सूत पहुंचे, और जब लोमहर्षण सूत पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि आप बहुत जगह से घूम घाम कर आ रहे हैं, तो आप थोड़ा बताइए कि वहां की क्या क्या आपने देखा। तो लोमहर्षण सूत कहते हैं कि मैं बहुत सारे तीर्थों से होकर आ रहा हूं, वो तीर्थों के नाम बताते हैं और फिर कहते हैं लेकिन मैं आपको कुरुक्षेत्र की कथा सुनाऊंगा, और फिर वो कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुआ उसका पूरी घटना का वर्णन करते हैं। यानी लोमहर्षण सूत के पास भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनमें से वो चुन रहे हैं क्या बताना है, उद्देश्य क्या है बताने का, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो महर्षि वेदव्यास क्यों बताना चाह रहे हैं इतिहास, वाल्मीकि क्यों बताना चाह रहे हैं इतिहास, लोमहर्षण सूत इतिहास क्यों बताना चाह रहे हैं, या फिर हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। सारा जो इतिहासकारों का जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो अभी आशुतोष जी ने कहा अलग अलग सेक्ट्स डेवलप हुए, उनका उन सेक्ट्स के डेवलप होने का मूल कारण यह है इतिहास लिखने का सबका उद्देश्य भिन्न है। तो वास्तव में इतिहास लिखने का जो उद्देश्य है, जो हमारे यहाँ परंपरा रही है, वह है एक अच्छा मानव समुदाय का निर्माण करना, यह सुसभ्य मानव समुदाय का निर्माण करना, यह भारतवर्ष में इतिहास लेखन का उद्देश्य यही रहा है। और आप देखेंगे जो एक राष्ट्र मंत्र है, आ ब्रह्मण ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्र राजन्यः शूर ईषभ ज्योति व्याधि महारथ, ये जो मंत्र है इसमें एक बात कही जाती है कि जो हमारे यहाँ नवीन पीढ़ियां हो वो कैसी हो, तो कहा सभेयो वो सभ्य हो, युवास्य यो मन से युवा हो, और यजमान या यजन करने वाले हो यानी परोपकार करने वाले हो, ऐसे जो नई पीढ़ियों का निर्माण हो सके इसके लिए हम इतिहास का वर्णन कर रहे हैं। इतिहास के वर्णन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। लेकिन आगे आपने जो आशुतोष जी ने दूसरा कोट किया वह कोट भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उन्होंने हरवंश मुखिया को कोट किया, और हरवंश मुखिया को जो उन्होंने कोट किया उसमें बात आई पॉलिटिकली करेक्ट होने की। तो इरफान हबीब में और महर्षि वेदव्यास में जो अंतर है, दोनों इतिहास लेखक हैं, अंतर है, वो अंतर इसी का है, यहाँ पॉलिटिकली करेक्टनेस का बात हो रही है। महर्षि वेदव्यास पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए नहीं खड़े हैं, महर्षि वाल्मीकि पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए नहीं खड़े हैं, वह देख रहे हैं एक सभ्य मानव समुदाय कैसे बनेगा, इस हिसाब से मैं इतिहास लिखूंगा। तो ये थोड़ा सा जो उन्होंने बातें कही थी उससे जो मेरे मन में आया वो मैंने आपके सामने में रखा है। अब मैं अपना विषय प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमें इतिहास का पुनर्लेखन करना नहीं है, इतिहास का पुनर्लेखन किया जा रहा है, और यह इतिहास का पुनर्लेखन प्रारंभ हुआ 18वीं शताब्दी में, 1700 से प्रारंभ हुआ इतिहास का पुनर्लेखन। यह पुनर्लेखन प्रारंभ किया ईसाई मिशनरियों ने, और केवल भारत के इतिहास का पुनर्लेखन नहीं प्रारंभ किया उन्होंने, उन्होंने पूरे विश्व के इतिहास का पुनर्लेखन प्रारंभ किया। तो आप देखेंगे लगभग जितने ऐतिहासिक लेखन का अनुसंधान है या उसकी जो जड़ें हैं वो 18वीं शताब्दी में जाती हैं, उससे पहले उनका कुछ नहीं मिलेगा। आज जो इतिहास लेखन हम पढ़ रहे हैं तो लगभग इतिहासकार जो मिलेंगे, जो इतिहास लेखक मिलेंगे, उनको या तो फिर एकदम से वो ग्रीक में जाएंगे या फिर आ जाएंगे वो 18वीं शताब्दी में। उसके पीछे का इतिहासकार, उसके बीच के कालखंड का सारे इतिहासकार इनके मौन है, इनके कहीं कोई इतिहास लेखक नहीं है। तो ये जो कालखंड है 18वीं शताब्दी का, इसमें कौन लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये मैंने जो उन्होंने उल्लेख किया भारत में यूरोपीय यात्री, मैंने जब पुस्तक में लिख रहा था ये मेरे ध्यान में आया कि भारत वो आ क्यों रहे हैं। अभी तक हम ये पढ़ते हैं कि जो यूरोपियंस निकले भारत खोजने के लिए, उनको मसालों के व्यापार की आवश्यकता थी और उस व्यापार को करने के लिए वो भारत खोज रहे थे, यह अर्ध सत्य है। जैसे अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा अर्ध सत्य था, यह भी अर्ध सत्य, मसाले उनको चाहिए थे, यह बात सत्य है। लेकिन वो मसालों के लिए भारत ढूंढने नहीं निकले, वो भारत ढूंढने निकले क्योंकि उस वक्त यूरोप में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी, लगभग 600 साल से वो लड़ाई चल रही थी, और वह लड़ाई थी क्रूसेड और जिहाद की। इस्लाम और ईसाइयत में संघर्ष चल रहा था, ईसाइयत लगातार हार रही थी, पहला क्रूसेड हार चुके थे, जीते थे, उसके बाद सारे क्रूसेड हार चुके थे। तो उनको ये विश्वास था, पोप ने उनको भरोसा दिलाया था, ईस्ट में यानी इंडिया में एक ईसाई राजा है, उनको
उससे संपर्क के लिए वो हम जीत जाएंगे, उसको ढूंढने निकले थे। ये अलग बात है, उनको भारत में कोई ईसाई राजा नहीं मिला क्योंकि वो था ही नहीं। तो यह जो यूरोपियंस आ रहे हैं वो अपने मिशन पे आ रहे हैं, क्रिश्चियन मिशन पे आ रहे हैं, ये हमको समझ लेना चाहिए। तो जब वो भारत पहुंच रहे हैं और उनको यहाँ ईसाई राजा नहीं मिला, इनको मिले यहाँ काफिर या ये मुसलमान, और दूसरे मिले हिंदू, काफिर तो मुसलमान कहते हैं, इनफिडेल वो कहते हैं, तो उनको मिले इनफिडेल, हीदेन जो कहें वो, और मिले मुसलमान। अब उनको ये समझ में आया कि जो हम यहाँ पहुंच गए वो, यहाँ सब कुछ उपलब्ध तो है, मसाले भी उपलब्ध हैं, व्यापार का पूरा ये उपलब्ध है। व्यापार तो नहीं था, वो लूट हो रही थी उस वक्त, क्योंकि वास्को डी गामा भी लूट करके गया था, उसने कोई व्यापार नहीं किया था। व्यापार करने के लिए, कुछ ट्रांजेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए होता है, जो यूरोपीय वासियों के पास कुछ था नहीं जिसको देकर वो कुछ ले सकें, खरीद सकें। जो सोना चांदी वो लूटते थे थोड़ा बहुत अफ्रीका और थोड़ा बहुत अमेरिका से लूटना शुरू किया था उन्होंने, उसका 2/3 वो आते समय रास्ते में नष्ट हो जाता था, पानी में डूब जाता था, 1/3 लेकर आ पाते थे। तो उससे वो ट्रांजेक्शन करना बड़ा कठिन था, वो लूटते थे, तो पायरेट्स थे लगभग सारे। क्रिश्चियन मिशन लेकर वो भारत आए हैं और उसी क्रिश्चियन मिशन के तहत उन्होंने भारत के हर चीज की व्याख्या करना प्रारंभ किया। यही मिशन लेके वो अफ्रीका पहुंचे हैं, उन्होंने अफ्रीका की व्याख्या इसी मिशन के तहत की है। यही मिशन लेके वो अमेरिका पहुंचे और अमेरिका की पूरी व्याख्या की है। उस वक्त अमेरिका उसका नाम नहीं था, उसका नाम कच्छप महादेश था। तो इतिहास का पुनर्लेखन ईसाई मिशनरियों ने प्रारंभ किया, न कि इतिहासकारों ने प्रारंभ किया। दूसरा, जो ईसाई मिशनरियां इतिहास लिख रही थी, इतिहास लिखने का प्रयास कर रही थी, उनका अपना इतिहास ज्ञान लगभग शून्य था। यदि यूरोपियंस आते, परंपरागत यूरोपियंस आते और वो इतिहास में लिखने के कुछ प्रयास करते तो शायद वो स्थिति नहीं बनती जो बाद में बनी, क्योंकि जो परंपरागत यूरोपियंस हैं, जो वहाँ के रोमुआ हैं, जो गोट हैं, जो ड्रुइड्स हैं, जो वहाँ के स्लाव हैं, जो केल्ट हैं, इनकी जो परंपरा है, जिनको उन्होंने पैगन कहा क्रिश्चियंस ने, वो जो पैगन्स जिनको कहा, उनकी जो परंपरा है, उस परंपरा को मानने वाले आज भी भारत को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं, आज भी वो भारत को अपना सेकेंड मदरलैंड कहते हैं, वो आज भी भारत के प्रति बहुत आत्मीयता रखते हैं और वो मानते हैं कि सभ्यताओं के जो का जो प्रारंभ है वो भारत से हुआ है, और हम यदि कुछ कर रहे हैं तो हमने कहीं ना कहीं हमारा प्रेरणा स्रोत भारत है, वो आज भी मानते हैं। तो उस वक्त तो वो मानते ही थे। यदि वो परंपरागत यूरोपियंस आते तो भारत, वो जो इतिहास लेखन था वो फिर भी कुछ ठीक होता, लेकिन वो एक क्रिश्चियंस का इतिहास लेखन था, मिशनरियों का इतिहास लेखन था, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनको अपना इतिहास ही ज्ञात नहीं था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो उनको वो पैगन कह रहे थे, उनकी परंपरा का उनको मूल नाश करना था, तो उनके इतिहास का भी नाश करना था। यह सारा नाश करने के बाद जब उनकी अपनी परंपरा और मूल दोनों का उच्छेद हो गया तो उनका इतिहास बचा ही नहीं। तो उनका इतिहास प्रारंभ होता था आदम से और लेकर आते थे वो फिर ईसा मसीह तक, और ईसा मसीह से आदम तक का इतिहास में कुछ उपलब्ध नहीं था, ना उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस था, ना उसका कोई लिटरेरी एविडेंस था, एक बाइबिल को छोड़कर उनके पास कोई इतिहास का स्रोत उपलब्ध नहीं था, और इसीलिए इतिहास से बिल्कुल अनभिज्ञ और मतांधता में चूर लोगों ने इतिहास का पुनर्लेखन प्रारंभ किया। तो जब उन्होंने इतिहास का पुनर्लेखन प्रारंभ किया, पहले तो मैं ये भी बताऊं कि जब वो अमेरिका पहुंचे और अफ्रीका पहुंचे तो वहां कोई रिटेन हिस्ट्री उनको नहीं मिली, वहां ओरल ट्रेडिशंस थे। तो ओरल ट्रेडिशंस को खत्म करना बहुत आसान है, जो ओरल ट्रेडिशन को कहने वाले लोग हैं उनको आप मार दीजिए, ओरल ट्रेडिशन समाप्त। लेकिन जब लिटरेरी चीजें उपलब्ध होती हैं उसको खत्म करना कठिन होता है। जब वो भारत आए तो उनको बड़ी विपुल मात्रा में साहित्य मिला, और आप एक पुस्तक देखेंगे, एशिया इन द मेकिंग ऑफ यूरोप, डोनाल्ड एफ लैच की पुस्तक है, और उसमें वो बताते हैं कि यूरोप में लेखन कब प्रारंभ हुआ, प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, गुटेनबर्ग का जब वो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह शुरू हुआ उस वक्त उनके पास कितनी मारा मारी शुरू हुई, क्या छाप दें, हर कुछ छापना शुरू किया उन्होंने। लेकिन जब वो भारत पहुंचे तो उनको पता चला जो मैकॉले ने भारत के लिए कहा था, वास्तव में ये उसके देश के लिए सत्य था, कि ज्ञान विज्ञान की पूरे यूरोप की सारी पुस्तकों को इकट्ठा किया जाए तो आलमारी का एक रैक नहीं भरे, ये यूरोप की हालत थी उस वक्त। ये सत्य जो उसने भारत पे के लिए कहा ये असत्य था। भारत में विपुल मात्रा में साहित्य था और वो देख करके उनकी आंखें चौंधी आ गई।
पढ़ना संभव नहीं था क्योंकि उनको उतनी भाषाएं नहीं आती थी, मूलतः संस्कृत भाषा नहीं आती थी। उन्होंने संस्कृत सीखना प्रारंभ किया और उसके बाद उन्होंने अपने पूर्वाग्रहों से उसको व्याख्यायित करना शुरू किया। तो सबसे पहला काम जो आवश्यक था, क्योंकि उन्होंने देखा था, आप देखेंगे लगभग 16वीं शताब्दी से ये जो जेसुइट पादरी और बाकी मिशन मिशनरी लोग यूरोप लौट रहे हैं भारत होकर के, वो यहाँ से काल गणना के जो टेबल्स हैं वो लेके जा रहे हैं, और उन टेबल्स को लेकर पूरे यूरोप में बहस चल रही है, फ्रांस में बहस चल रही है, जर्मनी में बहस चल रही है कि ये इतने प्राचीन टेबल्स बना कैसे रहे, 5,000 साल पुराने, 6,000 साल पुराने, 10,000 साल पुराने सूर्य ग्रहणों के हमारे यहाँ टेबल्स हैं, तालिकाएं हैं। तो वहां पर बहस चल रही है इतनी पुरानी गणनाएं ये कैसे कर रहे हैं। कारण क्या है कि उनके हिसाब से उस 6,000 साल पहले तो पृथ्वी बनी थी, तो जब 6,000 साल पहले पृथ्वी बनी और आदम का निर्माण हुआ तो उस वक्त की गणना ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके अनुसार। तो उनके सामने में पहला संकट ये था कि हमारी जो गणना थी, क्योंकि हमको ध्यान होना चाहिए 18वीं शताब्दी में भी 19वीं 17वीं शताब्दी में भी और 15-16वीं शताब्दी में भी भारत के जो काल गणनाविद थे वो भारत की सृष्टि संवत को 1,96,08,53,000 वर्षों की बताते थे। अब इतनी पुरानी गणना ये उनको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उनकी पूरा सृष्टि की जो समझ थी वो 6,000 साल की थी। तो उन्होंने पहला काम ये कहा कि ये सारा गप है, ये मिथक है, ये स्वीकार योग्य नहीं है। तो हमारे सारे जो स्रोत हैं इतिहास के, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो और समस्त पुराण हो, उनको उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया। दूसरा जो स्रोत थे वो थे विविध संस्कृत साहित्य, और संस्कृत साहित्य जब मैं कह रहा हूं उसमें बौद्ध साहित्य को भी आप गिन लीजिए, क्योंकि बौद्धों का भी बड़ा हिस्सा साहित्य का वो पाली और प्राकृत में नहीं है, वो संस्कृत में ही है। पाली और प्राकृत में भी उनका साहित्य है, लेकिन संस्कृत में भी बौद्धों का बड़ा साहित्य भंडार है। वह साहित्य भंडार भारत में नहीं बचा, समाप्त हो गया, वो बाहर गया था, और इसलिए आप तिब्बत जाएंगे तो बहुत सारे ग्रंथ ऐसे मिलेंगे जो तिब्बत में वहां तिब्बतन भाषा में है लेकिन भारत में वो उपलब्ध नहीं है मूल भाषा में। तो बौद्धों के भी जो ग्रंथ उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर प्राकृत और पाली का भी ले लीजिए, ये सारा जो साहित्य था और जिसमें इतिहास था उसको भी उन्होंने पहले नकार दिया, समाप्त कर दिया, कहा इससे हम नहीं करेंगे। और तीसरा जो इतिहास का स्रोत था वो थी लोक में जो विद्यमान साहित्य है, लोक में जो ओरल ट्रेडिशन जिसको हम कहते हैं, जिसको उन्होंने वहां नष्ट कर दिया था। भारत में ओरल ट्रेडिशन को नष्ट करना उनके लिए संभव नहीं था, कितनी बड़ी जनसंख्या को मारते वो, क्योंकि वो खुद ही बहुत कम संख्या में थे, तो उन्हीं को मार दिया जाता यदि वो मारने के लिए का प्रयास करते। तो इसलिए यहाँ का ओरल ट्रेडिशन तो उसको उन्होंने नकार दिया, कहा ये तो ऐसे ही गप हैं, कथाएं हैं, इनको हम इतिहास के रूप में हम नहीं स्वीकार कर सकते। तो तीन स्रोत जो हैं, जो रामायण महाभारत पुराण आदि वैदिक लिटरेचर वो है, फिर लौकिक जो साहित्य था संस्कृत का, प्राकृत का, पाली का, और तीसरा ओरल ट्रेडिशन, इन तीनों को उन्होंने पूरी तरह नकार दिया और कहा कि नहीं ये सब जो हैं गप हैं, मिथक हैं, हम नए सिरे से इतिहास लिखेंगे, हम वैज्ञानिक इतिहास लिखेंगे, हम साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग करेंगे। तो साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग कैसे होगी, तब उन्होंने कहा उसके लिए दूसरा स्रोत लिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो भारत आए जो लोग बाहर से, उन्होंने जो भारत का वर्णन किया वो साइंटिफिक स्रोत हैं। देखिए 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, उस वक्त आर्कियोलॉजी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का प्रारंभ नेपोलियन से होता है, जब नेपोलियन मिस्र पे हमला करता है तब आर्कियोलॉजी स्टार्ट होती है, उससे पहले आर्कियोलॉजी नहीं है। तो वो खुदाई करते हैं सिक्कों के खोज में, खजानों की खोज में, और वहां से उनको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स मिल जाते हैं, कलाकृतियां मिलती हैं, उसको बेचने के लिए ले जाते हैं, इतिहास पढ़ने के लिए नहीं ले जाते हैं, बेचने के लिए ले जाते हैं। तो ये सारी जो चोरी एक तरीके से लूट है उससे आर्कियोलॉजी का जन्म होता है, और वहां से फिर बाद में धीरे धीरे उनको लगता है कि इसके आधार पर भी हम इतिहास बता सकते हैं, तो उसको हिस्ट्री के सोर्स के रूप में वो एक्सेप्ट करते हैं। तो पहला चीज था ग्रीक हिस्ट्री, जिससे उन्होंने भारत के इतिहास को लिखने का प्रयास शुरू किया। हम सब जानते हैं 1785 में विलियम जोन्स ने जो भाषण दिया था रॉयल सोसाइटी ऑफ कोलकाता के समक्ष में, और वहां से भारत के इतिहास का पूरा जो प्रस्थान बिंदु है वो बदल गया। उससे पहले हमारा प्रस्थान बिंदु यही था महाभारत, उससे सबसे रिसेंट जो घटना थी वो महाभारत की थी,
उसके पहले रामायण की थी, उसके पहले फिर वैवस्वत मनवंतर का परिवर्तन था, उससे पहले स्वयंभू मनु का काल था, ऐसे करके एक पूरा एक श्रृंखला थी इतिहास की, उसको खत्म करके प्रस्थान बिंदु ले आया गया चंद्रगुप्त मौर्य पे, और उन्होंने स्टार्ट किया एक गायब पुस्तक से, जो पुस्तक कहीं दुनिया में उपलब्ध नहीं थी, उस पुस्तक को आधार बनाकर उन्होंने भारत के इतिहास का पुनर्लेखन प्रारंभ किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त तक मेगास्थनीज की जिस इंडिका का उसने उदाहरण दिया, वह उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश नहीं हुआ था, फ्रैगमेंट्स थे उसके, पूरी तो पुस्तक उपलब्ध नहीं थी, फ्रैगमेंट्स को कलेक्ट करना, उनको कलेक्ट करके एक बुक फॉर्म में देना और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश करना, यह 1880 के बाद मैग्रिंडल स्वान बक ने किया, उसके पहले वो बुक फॉर्म में पब्लिश नहीं है, कुछ फ्रैगमेंटेड पार्चमेंट्स हैं जिसको पढ़कर, वह एक गायब पुस्तक को पढ़कर उन्होंने भारत के इतिहास का प्रस्थान बिंदु तय कर दिया। इसके बाद तो गायब पुस्तकों की लाइन लग गई गायब पुस्तकों की, जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं है उन सभी पुस्तकों के आधार पर भारत का इतिहास लिखा जाने लगा। स्ट्रैबो आ गए, प्लिनी आ गए, और आप सबसे लेटेस्ट में, सबसे अंत में मैं देख रहा था, आज ही मैं उसको सर्च कर रहा था, एरिस्टोथनीज आते हैं 1850 के आसपास, एरिस्टोथनीज की ज्योग्राफी पे किताब लिखी जाती है, और वह भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है कहीं, तो उसके कहीं कहीं फ्रैगमेंट्स को कलेक्ट करता है एक व्यक्ति, और वो कलेक्ट करके पब्लिश करता है ज्योग्राफी ऑफ एरिस्टोथनीज, और आज आप हैरान होंगे फादर ऑफ द ज्योग्राफी के रूप में एरिस्टोथनीज को पढ़ाया जाता है इंडियन यूनिवर्सिटीज में, सारे ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ये जो गायब पुस्तकें हैं, इनसे साइंटिफिक हिस्ट्री राइटिंग प्रारंभ हुई, जो किताबें उपलब्ध नहीं है, जिनके कुछ फ्रैगमेंट्स ये कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये कलेक्ट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, नोबडी नोज, हमें नहीं पता, क्योंकि यदि हम उनसे मांगे कि ठीक है ये 2500 साल पुराने ना हो, भाई अरे चतनी लगभग 2500-3000 साल पहले हुआ, हमको 1500 साल पुराना कोई उनका भोजपत्र दे दीजिए, भाई हम जब रामायण की बात करते हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं, तो वो ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट मांगते हैं कि भाई इसका कितना पुराना मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है, हम भी मांगे कम से कम ग्रीक जो हिस्टोरियन जो जिनको वो प्रूफ ला रहे हैं सामने में, उनके ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कब के हैं। आप हैरान होंगे जब वो पैदा हुए उस वक्त उनको पढ़ा गया, और उसके बाद 1500-2000 साल उनको किसी ने नहीं पढ़ा, 19वीं शताब्दी में उनको पढ़ना शुरू हुआ, 18वीं शताब्दी में उनको खोजना शुरू हुआ, बीच के 1500 साल नोबडी नोज देयर नेम, कोई नहीं जान रहा है कि कौन एरिस्टोथनीज है, कौन क्या कहते हैं प्लेटो है, कौन सुकरात है, कौन क्या है, किसी को कोई वहां पढ़ा नहीं जा रहा है, वो गायब है, उनके पूरे सिस्टम से गायब है, 18वीं शताब्दी में वो प्रकट हो रहे हैं। तो गायब पुस्तकों से इतिहास लेखन शुरू हुआ, और दूसरा शुरू हुआ जो वर्णन है, दूसरा जो वहां पर ओरल ट्रेडिशन में वर्णन है, क्योंकि रिटन तो अवेलेबल नहीं है, उनकी बुक वो केवल ओरल ट्रेडिशन है, उसी लिख लाग करके रख दिया और कह दिया ये उनकी किताब, वो कहीं भी प्रिंटेड बुक्स के फॉर्म में कहीं 1500 साल तक प्रिंटेड नहीं है, न छप रही है, न लिखी जा रही है, न भोज का कॉपी तैयार हो रही है। तो जो ओरल ट्रेडिशंस हैं उसके आधार पे उनके जो वहां तो मिथकीय चरित्र हैं उसको उन्होंने लाकर उसमें से भारत का इतिहास देखना शुरू किया, विश्व का इतिहास देखना, और इतना ही नहीं किया उन्होंने तो उसके बाद उन्होंने प्रारंभ की कल्पनाएं कैसी, तो जैसे मेगास्थनीज का कुछ जो उनको फ्रेगमेंट्स मिले उसमें एक सेंड्राकोटस नाम का राजा का उल्लेख मिला, तो उन्होंने कौन हो सकता है, तो उन्होंने कल्पना की ये चंद्रगुप्त मौर्य होगा, ये कल्पना है, इसका कोई साइंटिफिक आधार आप पूछेंगे के पास नहीं था। आप आज के इतिहासकारों से पूछ लीजिए सेंड्राकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य साबित करने का कोई आधार उनके पास है, नहीं है, खारिज करने का कोई आधार है क्या, बिल्कुल है, अनेक इतिहासकारों ने स्पष्ट कर दिया विविध प्रकार के तर्कों से कि सेकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और निराधार कल्पनाएं प्रारंभ की।
हुआ। महाभारत एक मिथकीय कथा है, जिस ये सिकंदर का बिफोर प्रेजेंट से वो इतिहास एक लगातार प्रथम की बात करते हैं कल्हण, तो गोनंद प्रथम का वध जो है वो बलराम ने किया है, और गोनंद प्रथम से काफी पहले और भी राजा हुए हैं वहां, यानी वो एक लगभग 7000 साल का इतिहास उसमें है जो नीलमत पुराण और कल्हण की राजतरंगिणी में वर्णित है। यानी इस पूरे इलाके में एक नगरीय सभ्यता विद्यमान थी जहां राजा राज्य है, साम्राज्य है, ये वर्णन हमें हमारे पास लिखित उपलब्ध है। पहले उन्होंने उसको खारिज किया कि इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब 1920 में उनको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में ये खुदाइयों में नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि देखिए ये जो कल्हण ने लिखा था या फिर इस इलाके का जो राज्यों का इतिहास मिलता है वह उसका प्रमाण मिल गया, नहीं कहा। उन्होंने कहा यह एक नई सभ्यता है और इसका नाम रखा उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता। और मैं आपको बताऊं, जब उस पर बहस हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड निर्धारण करने की जो चर्चाएं हो रही हैं यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्टों के बीच में, उसको आपको हमें खोजना चाहिए और पढ़ना चाहिए। वो केवल अपनी मनमानी मान्यताएं थोप रहे हैं। जैसे फेयर सर्विस कह रहा है, वो फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट है, वो कह रहा है कि ये कोई भी जो सिविलाइजेशन है वह 1 millennia यानी 1000 वर्ष तक निरंतरता में नहीं रह सकती, वो नष्ट हो जाएगी बीच में ही, और इसीलिए यह नहीं माना जा सकता कि यह जो सभ्यता है यह किसी भी सूरत में 2000 साल से पुरानी हो सकती है, इसीलिए इसको हमको 2000 से 1800 के बीच में रखना पड़ेगा। यानी कैसी दलीलें हैं, उन दलीलों का कोई भी आधार साइंटिफिक नहीं है, कोई गणना नहीं है, कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं है, वह मन है हमारा कि मैं मुझे नहीं लग सकता कि मुझे मानना कठिन हो रहा है, मैं नहीं मान सकता ऐसा, तो मनमानी कल्पनाएं बिना किसी आधार की, और इसीलिए उसका नामकरण। तो ये एक सिंधु घाटी सभ्यता की उन्होंने कल्पना कर दी। अब यह देखिए, तो भारतवर्ष में कोई नहीं जानता था कोई एक नया इतिहास उस वक्त का था, उस वक्त का इतिहास हमारे यहां पूरा एक एक जनजन को पता है, लेकिन यह जो इतिहास वो लिख रहे हैं यह किसी को नहीं पता है। आज भी यह इतिहास बच्चों को जो पढ़ना पड़ता है वो नए तरीके से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो उनके इतिहास में कहीं है ही नहीं, ना उनके पारिवारिक परंपरा में मिलेगा, ना कुल परंपरा में मिलेगा, ना जनपदीय ग्रामीण परंपरा में कहीं मिलेगा ही नहीं। वह मिलेगा उनको इतिहास की उन पाठ्य पुस्तकों में जिनको आज अलग ढंग से लिखा गया है। तो इसमें दूसरी चीजें जो उन्होंने प्रारंभ की, जैसे बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दे दिए हैं, एक मिनट का गैप लूंगा। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो आघात किया गया हमारे इतिहास पे और जो हमारे विश्वास पे, जो हमारी परंपरा पे, उसमें कई सारे, मैं बहुत सारे उदाहरण नहीं दूंगा, मैं छोटे छोटे कुछ उदाहरण दूंगा। जैसे हमारे यहाँ जो वैदिक धर्म था उसको बड़े प्रयास पूर्वक एक नाम, नया नाम दिया गया, उसका नाम था ब्राह्मण धर्म। आप देखेंगे कि अकादमिक डिस्कोर्स की जो इतनी पुस्तकें हैं उसमें ब्राह्मण धर्म ही लिखा मिलेगा, ये बड़ी हैरानी की बात है। और ट्राउटमैन जैसे लेखक इसको इंगित करते हैं, वो लिखते हैं कि ब्राह्मण धर्म बहुत सुनियोजित ढंग से रखा गया, नामकरण किया गया ताकि उसको बदनाम किया जा सके, मतलब इसका उद्देश्य सत्य का अनुसंधान नहीं था। तो जो हरवंश मुखिया ने कहा था कि पॉलिटिकली साउंड एंड पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, तो जो भारत में शासन चल रहा था मिशन का शासन, मिशनरियों का, हम बहुत, मुझे हैरानी होती है, जो मुस्लिम शासन काल है हम उसको मुस्लिम शासन काल कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी शासन काल को अंग्रेजी शासन काल कहते हैं, उसको ईसाई शासन काल नहीं कहते, जबकि वो ईसाई शासन काल है, ये हमको मानना चाहिए और इसको कहना चाहिए। और ईसाइयों में भी प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का शासन है, वो कैथोलिक्स का शासन नहीं है।
हालांकि जब वो बाहर जाते हैं तो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक सब मिलके एक साथ काम करते हैं, ये अलग बात है। तो जो ईसाई शासनकाल था उस वक्त जो इतिहासकार इतिहास लिख रहे थे वो पॉलिटिकली साउंड एंड पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए लिख रहे थे और इसीलिए ईसाईयत के पक्ष में लिख रहे थे। इसलिए उनका मूल काम था जो भारत की वास्तविक परंपरा है उसको कैसे बदनाम किया जाए, कैसे कमजोर किया जाए, कैसे नष्ट किया जाए। तो सनातन वैदिक धर्म को उन्होंने ब्राह्मण धर्म घोषित किया। फिर जो सनातनी बौद्ध थे, भगवान बुद्ध कभी बौद्ध नहीं थे, उनके अनुयायी भी कोई बौद्ध नहीं थे, ये सभी सनातन परंपरा की एक दर्शन की शाखा थे। और हमारे यहां ऐसे हजारों दर्शन है, हजारों शाखाएं हैं उसकी। वेदांत के कई शाखाएं हैं, सांख्य की कई शाखाएं थी। हर एक दर्शन वो दर्शन है, बौद्ध भी एक दर्शन है, वो कोई संप्रदाय नहीं था अलग, वो दर्शन था, देखने का एक तरीका था मनुष्य के जीवन को, उसके कर्तव्यों को, उसके धर्म को देखने का एक तरीका था। और इसलिए वो सनातन धर्म से कहीं भिन्न नहीं था, मूल में वो एक ही था, शाखाओं में यानी व्यवहार में वो थोड़ा बहुत अंतर करते थे, इस तरीके से कर लेंगे। जैसे आज आप देखेंगे 500 तरह के आपको योग मिलेंगे, कोई अलग योग करा रहा है, कोई इनका श्री श्री रविशंकर का योग अलग है, और भी बहुत सारे योग हैं, यहाँ पर जो है मुंगेर योग आश्रम उनका योग अलग है। तो योग अलग है क्या? नहीं, मूल प्रक्रियाएं सेम है, लेकिन अपना एक चलाने के लिए अलग नाम दिया है। तो दर्शन थोड़ा सा तरीका भिन्न किया, हल्का सा तरीका बदला और वो एक तरीका हो गया। ऐसे ही बौद्धों ने जो बुद्ध ने जो किया था वो एक तरीका था, व्यवहार में थोड़ा अंतर था, मूल दर्शन समान था। बहुत अंतर आप नहीं पाएंगे, जब आप गहराई में जाएंगे तो मूल दर्शन समान मिलेगा। लेकिन चूंकि प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का यहाँ शासन था, उनको ये दिखाना था जैसे यहाँ यूरोप में प्रोटेस्टेंट खड़े हुए और उन्होंने कैथोलिक से विद्रोह किया, लड़ाई लड़ी, यहाँ पर भी हुआ होगा, तो उन्होंने यहाँ पर बौद्धों को प्रोटेस्टेंट की तरह चित्रित किया कि उन्होंने ब्राह्मण धर्म से विद्रोह किया, लड़ाई लड़ी और अलग खड़ा किया। तो ये कोई अलग खड़ा नहीं हुआ था, वो एक ही थे, सब एक ही शाखा थी, उसी ढंग से चलते थे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं बताऊं, एक पुस्तक है बुद्धिज्म इन चाइना, नहीं चाइनीज बुद्धिज्म नाम से, और वो लेखक भी उसका एक पादरी है, और उसमें वो लिखता है कि चीन के राजा को एक सपना आया जिसमें उसने एक बड़ी ऐसी मूर्ति जैसी देखी, पूछा ये क्या दिखा, तो उसके मंत्रियों ने कहा कि भारत में एक हुआ है व्यक्ति ऐसा, बुद्ध कहते हैं उसको, आप उनके उसका स्वप्न आया, आप उनके अनुयायियों को बुलाइए। उसने भेजा उनके कुछ लोगों को बुलाने के लिए, अब हमें मालूम होना चाहिए, काबुल से गए लोग, और जो गए उनको ब्राह्मण कहा गया था, चीन उनको ब्राह्मण ही कहता था, श्रवण नहीं कहता था। श्रवण ब्राह्मण सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं, सब हमारी परंपरा के शब्द हैं, इनमें कोई झगड़ा नहीं था, ये झगड़ा अंग्रेजों ने खड़ा किया, ईसाइयों ने खड़ा किया। तो वो ब्राह्मण गए, अब वो चूंकि सफेद घोड़ों पर बैठ के गए थे इसीलिए वहां पर उनके लिए जो विहार बना उसका नाम रखा गया, नाम में भी विस्मृत हो रहा है मुझे, जिसका अर्थ होता था सफेद घोड़ों का महल। तो ये लगभग एक ही था उस वक्त, कोई भिन्नता नहीं थी, लेकिन उसको एक प्रोटेस्टेंट्स की तरह विद्रोही धर्म के रूप में चित्रित करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया, लड़ाई दिखलाई, युद्ध दिखलाया, और जो बौद्ध धर्म नष्ट हुआ इस्लाम के कारण उसको दिखाया गया कि ये सनातन ब्राह्मण धर्म के कारण नष्ट हो गया, सनातन नहीं, ब्राह्मण धर्म ने इसको नष्ट किया। लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि भैया फिर 10वीं शताब्दी तक बौद्धों का इतना बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय कैसे एग्जिस्ट कर रहा है जब बौद्धों का शासन नहीं है, सब तरफ शासन उनके उनके कथनानुसार ब्राह्मण धर्मियों का है, और वो उसको फंड कर रहे हैं बौद्ध दर्शन पढ़ाने के लिए, कैसे हो रहा है? तो ये एक बड़ा उन्होंने दूसरा एक इतिहास में भेद क्रिएट किया। और तीसरा जो बड़ा उन्होंने किया कि हमारे यहाँ सम्राटों की एक लंबी सूची है, श्रीराम से मैं नहीं कहूंगा, तो आप देखिए पहला राजा अनंग से लेकर फिर वेद, फिर पृथु जिसने कृषि का विकास किया, और वहां से लेकर जो सम्राटों की श्रृंखलाएं हैं, और दो तीन बड़े राजवंश हैं, चंद्रवंश है, सूर्यवंश है, इसके अलावा भी ढेरों वंश हैं, ऐसा नहीं है कि चंद्रवंश और सूर्यवंश ही हैं, ढेरों वंश अलग अलग और भी चल रहे हैं। ऐसे लंबे सम्राटों की श्रृंखला भारतवर्ष में है, सम्राट विक्रमादित्य जिस श्रृंखला में आते हैं, इन सबों का मूल उच्छेद करके दो राजा एस्टैब्लिश किए उन्होंने, दो सम्राट, एक अशोक और दूसरा उन्होंने एस्टैब्लिश किया अकबर को। ये उन्होंने एस्टैब्लिश किया बहुत प्रयास पूर्वक, और मुझे ध्यान में आता है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा एक बार व्याख्यान था, वहां जो हमारे मेरे सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा
हमें अंग्रेजों का धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने हमें अशोक जैसा सम्राट का इतिहास सामने ला कर दिया जो पहले हम जानते नहीं थे, जिसको हम भूल चुके थे। मैंने अपने उस वक्त के व्याख्यान में कहा कि हमें अशोक का इतिहास प्राप्त कराया उन्होंने, ये बात ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन विक्रमादित्य के इतिहास का क्या, वो क्यों गायब हो गया? ललितादित्य के इतिहास का क्या, वो क्यों गायब हो गया? बड़ी संख्या में सम्राट हैं जिनको हमने मिथकीय कह करके गायब कर दिया, इतिहास की पुस्तकों से उनके पूरे योगदान को नकार दिया। राजा भोज के इतिहास का क्या, वो हम कितना पढ़ते हैं? तो आप एक राजा वो लेकर आए और यह दिखलाया कि देखो हमने क्या खोज करके सामने में रखा, लेकिन उसके आड़ में उन्होंने बड़ी संख्या में हमारे सम्राटों के इतिहास को गायब कर दिया। और महाराजा विक्रमादित्य का जो इतिहास है, हमें यह जानकर आश्चर्य होगा, केवल भारत में नहीं जानते थे हम, तो अरब से लेकर मंगोलिया तक महाराजा विक्रमादित्य का इतिहास पढ़ा जा रहा था। जब आचार्य रघुवीर 50 के दशक में मंगोलिया पहुंचे, वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने उनके चरण स्पर्श किए और उनको दो पुस्तकें भेंट में दी। पहली पुस्तक जो थी वो थी अराजी बोजी, जो कि सिंहासन 32 का मंगोल अनुवाद था। और वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा, यह हमारे यहाँ घर घर में पढ़ी जाती है, आपकी थाती है, हमने संभाल के रखा है, आपको समर्पित कर रहा हूं। उस अराजी बोजी का उन्होंने अनुवाद किया, मंगोल भाषा पे काम किया। वो पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो पीडीएफ में उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। तो विश्व में जिस सम्राट की कथाएं प्रचारित हैं, उसको आपने गायब कर दिया, और वह एक सम्राट लाया नकली, जिसकी कथाएं कहीं दुनिया में नहीं, कोई नहीं जानता। सम्राट अशोक की कहानी यदि अंग्रेज ना बताएं, पाठ्य पुस्तकों से हटा दें, तो विश्व के किसी अन्य देश की परंपरा में आपको प्राप्त नहीं होगी, मिलेंगी ही नहीं। विक्रमादित्य की मिलेंगी, अशोक की नहीं मिलेंगी। तो वास्तविक इतिहास गायब करके एक नकली इतिहास खड़ा किया और उसमें अशोक और अकबर जैसे मिथ्या आदर्शों का स्थापित किया। और मजे की बात है, आप ये भी ध्यान देने की बात है, जो लोग अक्सर चूकते हैं, ध्यान नहीं देते, ये दोनों राजा सेकुलर नहीं थे। अशोक एक धर्म विशेष को प्रोटेक्ट करता था, धर्म कहें तो बौद्ध को प्रोटेक्ट करता था, उसी को अनुयायी था, बाकी को वो नहीं मान प्रोटेक्ट करता था, बढ़ाता नहीं था, यानी वो सेकुलर नहीं था। और अकबर भी अपना ही एक मजहब चलाना चाह रहा था दीन इलाही के नाम से, यानी वो भी सेकुलर नहीं था। तो जो लोग सेकुलरिज्म का दम भरते हैं, जो इतिहासकार, वे ऐसे दो राजाओं को सामने में रखते हैं जो कि खुद सेकुलर नहीं थे। इसके बाद जो उन्होंने काम शुरू किया, पूरे इतिहास को नकारने के बाद, इतिहास के स्रोतों को नकारने के बाद, जो अगला काम प्रारंभ हुआ वह था इतिहास को बदलने के माध्यम से भारतीय समाज को कितना हम तोड़ सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके प्रयास शुरू हुए। बहुत सारे उदाहरण आशुतोष जी ने दिए थे, मैं उसको ही थोड़ा थोड़ा मैं छूता हुआ निकलूंगा, फिर हम लोग प्रश्नोत्तर पे आ जाएंगे। तो पहला था जो उन्होंने आर्य आगमन की बात की, वो वास्तव में भारतीयों को विदेशी साबित करने का प्रयास था, क्योंकि वो खुद बाहर से आए थे, उनको ये दिखाना था कि यहाँ के जो लोग हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं, जो हमसे संघर्ष कर रहे हैं, जो हमको उखाड़ फेंकने के लिए व्याकुल हैं, वो भी बाहर से आए थे। और इसीलिए उन्होंने अनेक प्रकार के डिवाइड क्रिएट करना शुरू किया और इसमें इतिहास का उपयोग किया, इस जो समाज में विभेद पैदा करने के लिए जो अलग अलग उन्होंने विभेद के बिंदु डाले, उनके लिए इतिहास का प्रयोग किया। तो पहला था आर्य आगमन सिद्धांत, इसके माध्यम से उन्होंने यह दिखलाने का प्रयास किया जो समाज लड़ रहा है इनसे, वो यहाँ का तो मूल निवासी है ही नहीं, यहाँ के जो मूल निवासी है उनको तो उन्होंने खदेड़ दिया, जंगलों में भेज दिया और दक्षिण भारत में भेज दिया, तो वो तो उनको तो अधिकार ही नहीं हमसे लड़ने का, एक विदेशी घोषित करने का षड्यंत्र शुरू हुआ। और दूसरा जो उन्होंने आशुतोष जी ने उल्लेख किया था, आर्य द्रविड़ संघर्ष का, तो दक्षिण में रहने वाले द्रविड़ हैं, उत्तर में रहने वाले आर्य हैं, लेकिन उनके पास इस बात का उत्तर नहीं था भाई कि एक द्रविड़ शंकराचार्य चल रहा है केरल से 2500 साल पहले, वो द्रविड़ है और वो चल रहा है वहां से, और उत्तर काशी में सुदूर उत्तर में आके वो आर्यों के क्षेत्र में आके वो अपना मठ स्थापित कर रहा है और पूरा देश उसको पूज रहा है, आर्य द्रविड़ कहां से आ गया? तो बिना आधार के उन्होंने अलग अलग परिकल्पनाएं, इसलिए इसको परिकल्पना कहता हूं, ये परिकल्पनाएं थी उनके मन की, वो उन्होंने स्थापित की। भाषाओं के झगड़े खड़े किए, उन्होंने देखा कि पूरे देश में, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में संस्कृत की समान रूप से मान्यता थी। ठीक है, जो स्थानीय भाषाएं हैं उनमें संवाद हो रहा है, वो मना नहीं है, वो हमेशा चल रहा है, लेकिन संस्कृत उनके साथ जी रही है,
वो अलग नहीं है, झगड़ा भी नहीं है, साथ में जी रहे हैं, साथ में जी खा रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन ये झगड़ा उन्होंने क्रिएट किया, और पहले तो उन्होंने संस्कृत वर्सेस पाली प्राकृत किया, बाद में उन्होंने संस्कृत वर्सेस तमिल, आज बहुत झगड़ा खड़ा हुआ है। तो इतिहास के माध्यम से कि कौन प्राचीन है, कौन अर्वाचीन है, किसको कौन बोलता था, किसको नहीं बोलता था, ये कर करके एक झगड़े खड़े किए इतिहास के माध्यम से। और फिर अंत में जो दो चीजें थी, एक जातियों का इतिहास और दूसरा जनजातियों का इतिहास, जो उन्होंने शेड्यूलिंग की, जो लिस्ट बनाई भारतीय समाज की, उन्होंने लिस्ट बनाई, और उसमें जो दो सूचियां थी, एक जातियों की सूची थी, एक जनजातियों की सूची थी। मजे की बात है, आप हैरान होंगे जानकर, दोनों में से किसी का आधार नहीं है उनके पास, किस आधार पे किसको किसमें शामिल किया जाएगा। मतलब कोई ट्राइब है तो ट्राइब किसको कहेंगे, इसकी डिफिनेशन आज तक डिफाइंड नहीं है। बस एक ही है, राष्ट्रपति जिसको चाहे, बस, और कोई कारण नहीं है, कोई आधार नहीं है। आप लोकुर कमेटी उठाइए, 60 के दशक में लोकुर कमेटी, 50 के दशक में बन गई थी, लोकुर कमेटी की रिपोर्ट है, कोई आधार न तब था, और आज आप अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट उठा लीजिए, आज भी उनके पास कोई आधार नहीं है, हम किसको कहेंगे। हिस्ट्री उनके बातों का समर्थन नहीं करती, इतिहास समर्थन नहीं करता। उसके बाद इन जो विभेद क्रिएट किए थे, इसको मजबूत करने के लिए फिर मनमाना इतिहास लिखा जाना शुरू हुआ। तो जैसे जनजाति समाज जो है यह एक्सक्लूडेड सोसाइटी है, कब एक्सक्लूडेड रहा बताइए, भीलों का संपर्क कब नहीं रहा, जो ये क्षत्रिय रहे, राजपूत रहे, उनसे कब संबंध नहीं रहा उनका, वैवाहिक संबंध है, प्रारंभ से है, प्रारंभ से है, कभी वो एक्सक्लूडेड नहीं रहे। और झारखंड में चले जाए, जो मुंडा है, उनके बनारस के ब्राह्मणों से हमेशा संबंध रहे, हमेशा संबंध रहे। तो उसमें कहानी आती है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर इसको आगे बढ़ जाऊंगा। मदरा मुंडा, वो राजा है मुंडा समाज का, वो ये झारखंड में, और उसके यहाँ पर एक अमात्य जो उसका मंत्री है, वो है युधिष्ठिर दुबे, वो है बनारस का। अब मदरा मुंडा की बहन है गोपा मुंडा, उसको प्रेम हो जाता है युधिष्ठिर दुबे से, दोनों में विवाह होता है और उसकी संतान होती है, और उसको फणी मुकुट राय नाम उसका था, और उसको शासन दिया जाता है। तो वो आज जो सिंहदेव है झारखंड में, वो सारे उसी के वंशज हैं। तो मदरा मुंडा शासन के दो हिस्से करता है, एक हिस्सा उसको देता है, एक हिस्सा ये लेता है। इसका मतलब है कि उनके अंदर संबंध है, मिलजुल रहे हैं आपस में, उनका कोई भी, कोई एक्सक्लूडेड सोसाइटी कोई नहीं है। तो ये जो इतिहास उन्होंने लिखा, यह भी एक प्रकार का छल ही था, और इसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं थी। और एक अंतिम विषय मैं लूंगा, जो छल की बात है, जो विश्वासघात की बात है, जो उन्होंने किया है। पहली चीजें जो अंतिम बात है, वो है ईसाई मान्यताओं को उन्होंने इतिहास के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में घुसेड़ा है। सारी ईसाई मान्यताएं हैं, और वो आज इतनी हमारे अंदर जड़ कर गई हैं कि हम प्रश्न तक नहीं पूछ पाते। उसमें पहली चीज है जो क्रिश्चियन क्रोनोलॉजी है, वो हमारे दिमाग में घुस गई है। तो पहले भारतवर्ष के लोग ये कहते, अक्सर किसी से भी कहिए, वो कहेगा अरे कोई बात नहीं, ये चोला बदलेंगे, दूसरा चोला लेके आ जाएंगे। भगत सिंह कह रहे हैं कि माँ चिंता ना करो, फिर दूसरा जन्म लेकर आऊंगा। और वो गीत कितना प्रसिद्ध है, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी, यानी हम बार बार जन्म लेंगे, ये हमारे अंदर था। आज क्या हो गया, नहीं यही जन्म है, अब मृत्यु के बाद खत्म है, और ये हमारे अवचेतन मस्तिष्क में आ गई है। और इसीलिए हम अपार धन, अपार सुविधाएं जुटाने में लग जाते हैं। ये जो कालगणना घुसी है, और यह कैसे घुसी है, ये लीनियर कालगणना, कि पहले का जो भी प्राचीन होगा वो पिछड़ा होगा, क्योंकि वो आदिम था। हम विकास करते हुए यहां तक आए हैं, आगे फिर विकास करते हुए पता नहीं क्या बनेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे इतिहास में आप देखिए, भारतवर्ष के इतिहास में जो पारंपरिक इतिहास है, उसमें पहले भी विकसित लोग थे, अविकसित लोग भी थे, और आज भी विकसित लोग हैं, अविकसित लोग भी हैं, दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्रिश्चियन जो क्रोनोलॉजी है, उसमें ऐसा नहीं है, पहले एकदम बिल्कुल ऐसे हैं, फिर धीरे धीरे विकास करते हुए हम यहां तक आ रहे हैं। और इसको साइंस के नाम पर पढ़ाया जाता है, जो लाइफ ट्री ऑफ लाइफ पढ़ाई जाती है, जो विकासवाद पढ़ाया जाता है, ये सारा का सारा, जिस समय ये सिद्धांत दिए गए थे, ये परिकल्पनाएं रखी गई थी, उस वक्त साइंटिफिक टूल कोई था ही नहीं विद्यमान। तो वो उनके मन की एक कल्पना थी, जो उनके मन में एक ऐसे ही उहा हुई, उन्होंने सामने में रखा, और आज उसको जबरदस्ती हम विज्ञान के माध्यम से सत्य साबित करने में लगे रहते हैं। साबित नहीं कर पाते, आज तक नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया साबित, लेकिन हम लगे रहते हैं कि हम इसको सही साबित करेंगे। एक तो क्रिश्चियन क्रोनोलॉजी,
वो हमने एस्टैब्लिश कर दिया, और इसके कारण से आप देखेंगे तो हम कोई भी भारत का इतिहासकार, वो भारत का ही इतिहास नहीं विश्व का इतिहास लिखेगा, किसी का भी इतिहास लिखेगा, कहेगा पहले वो हंटरर्स एंड गैदरर्स थे, यानी पहले वो शिकार आखेटक थे और संग्राहक थे। ये भारत के इतिहास में कहीं मिलेगा नहीं, हम थे ही नहीं ऐसे आखेटक और संग्राहक। और आपको इसके लिए उदाहरण दूं तो उरांव जनजाति का इतिहास आप उनके ओरल ट्रेडिशन से सुनिए, तो उनके ओरल ट्रेडिशन में ये बताते हैं कि पहले जो दो स्त्री पुरुष उन्होंने बनाए सिंगमोंगा देवता ने, सिंगमोंगा ने दो स्त्री पुरुषों की रचना की और उनको एक हल और बैल दिया और कहा जाओ खेती करो, यानी उनको धनुष बाण देके नहीं भेजा कि जाके शिकार करो, एक टोकरी देके नहीं भेजा कि जाओ फल इकट्ठा करके रहो और जिंदा रहो, हल और बैल दिया खेती करने के लिए, पैदा किया और हल और बैल दिया, यानी कृषि प्रारंभ से विद्यमान है, हम प्रारंभ से कृषि समुदाय है। कृषि एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क है, एक जैसे तैसे करने वाला काम नहीं है, हम आकेटक और संग्राहक नहीं है, हंटरर्स और गैदरर्स नहीं, लेकिन कोई भी इतिहास लिखेगा वो हमें हंटरर्स और गैदरर्स से स्टार्ट कर देगा, कहीं भी आप चले जाएंगे। तो ये एक क्रिश्चियन कंसेप्ट जो साइंस के नाम पे हमारे मन में घुसेड़ा जा रहा है। तीसरा, सब करने के बाद भी पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को आप 10,000 साल में ही समेट के रखेंगे, उससे पीछे नहीं जाएंगे, यानी उससे पहले होमो सेपियंस उसको कुछ नहीं आता था, तो आग का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ, इसी में समेट कर रखेंगे, जबकि ये प्रूव हो चुका कि हम बहुत प्राचीन काल में भी ये चीजें उपलब्ध थी, ऐसे ढेरों सैकड़ों हजारों आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, और रिटेन एविडेंसेस तो बड़ी मात्रा में है, ओरल ट्रेडिशन तो और भी बड़ी मात्रा में है, सबको नकार कर उसको उसमें बांधा रखा गया है, उससे हम बाहर नहीं जा रहे हैं। और तीसरी जो अंतिम बात है, जितनी हमारी वैदिक अवधारणाएं हैं, वैदिक संकल्पनाएं हैं, वैदिक स्थापनाएं हैं, उनको यह कह दिया गया कि आदिम लोगों की कल्पना थी और इसीलिए इसमें कोई दम नहीं है, और इसीलिए जो वैदिक ग्रंथ हैं वो ठीक है कोई बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, लेकिन वो आज के समय में कोई रेलिवेंस रखते हैं ये नहीं है, तो उस पर कोई इतिहासकारों के बीच की बात कर रहा हूं मैं बाकी समाज की बात नहीं कर रहा, बाकी समाज तो बहुत श्रद्धा रखता है, वो उस पर बहुत अनुसंधान कर रहा है, इतिहासकारों के लिए वेद जो है किसी काम के ग्रंथ नहीं है, वो आदिम अवस्था के ग्रंथ है, इसलिए उसका कोई उपयोग नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है बहुत संक्षेप में मैंने विषय रखने का प्रयास किया है, एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार हो सकता है, तो काफी कुछ आशुतोष जी ने रखा था और उससे हो गया था, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं, आपने सुना है, प्रश्न होगा तो जी। डॉक्टर साहब, वाकई आपका वक्तव्य प्रशंसा के योग्य है और इसमें कई नई बातों का हमें ध्यान आया, हमारे ध्यान में आई ये बातें, और आपने ये जो बात रखी है ये बात को महसूस तो करते थे कि किस तरह से जो है क्रिश्चियनिटी बेस्ड हिस्ट्री को हमारे ऊपर थोप दिया गया है और हमने उसे सत्य स्वीकार कर लिया है जी। लेकिन स्पष्ट आपने आज किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रश्नोत्तर आमंत्रित करूं, मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी टिप्पणी, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट ये जो लॉबीज ने हिस्ट्री लिखी, ये जो विश्वासघात यहाँ ज्यादा हुआ, अंग्रेज के विश्वासघात को तो संभाल लेते उसको तो कई लोगों ने चुनौतियां भी दी, लेकिन ये जो लॉबी आई इसने जिस तरह से हमारा अहित किया है, भारत की आत्मा को ही आहत कर दिया। इस पे बात ठीक है, लेकिन इसमें देखिए जो लेफ्ट लॉबी है वो लेफ्ट लॉबी है, हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्क्सवाद है, जो वामपंथ है, वह कोई अलग से चीज नहीं है, वह ही ईसाईयत की एक शाखा है, और एक पुस्तक है निक स्पेंसर की, और उस पुस्तक का नाम है इवोल्यूशन ऑफ द वेस्ट। तो वो क्रिश्चियनिटी ने, ईसाईयत ने किन किन चीजों को शेप उसको उसका विकास किया, और उसमें कई सारी चीजें, जैसे मानवाधिकार उसमें जो वो लिख रहा है, उसमें डेमोक्रेसी, उसमें एथेइज्म, सोचिए एथेइज्म जो जिसको हम कहते हैं नास्तिकता, जिसको हम कह देते हैं एथेइज्म नास्तिकता नहीं है, एथेइज्म जो है जो क्रिश्चियन गॉड है उसको अस्वीकार करना है। आप हैरान होंगे जानकर
अथेइज्म को भी बढ़ाने वाला चर्च ही है, क्योंकि अथेइज्म प्रकारांतर से आपके पूरे हिंदुत्व को नकारता है, और वो क्रिश्चियनिटी को उस अर्थ में नहीं नकारता जिस अर्थ में वो हिंदुत्व को नकारता है, क्योंकि जो मॉडर्न साइंस है उसमें क्रिश्चियन बिलीफ्स पूरी तरह अंतर्गुम्फित है, वो उसको खारिज नहीं करती, लेकिन हिंदू जो बिलीफ है, जो हमारे सनातन जो विश्वास है, उसको वो पूरी तरह नकार देता है आधुनिक विज्ञान। इसलिए अथेइज्म जो है और मार्क्सिज्म जो है ये एक प्रकार से क्रिश्चियनिटी की ही एक शाखा है, मेरा ऐसा मानना है, और इसीलिए ये लोग जो काम कर रहे हैं वो उसी रूप में काम कर रहे हैं। जी चलिए, अच्छी बात आपने बताई, ये भी एक पक्ष जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अब ये परिचर्चा जो है वो ओपन है, आप सभी अपनी टिप्पणियां अपनी मत सम्मति। एस बी त्यागी जी का मैं चाहूंगा कि अगर वो स्वयं अपनी बात रखें तो बहुत अच्छा लगेगा। कैप्टन त्यागी साहब, अगर आप अपने को अनम्यूट करके स्वयं प्रश्न रखें तो बहुत अच्छा लगेगा, और फिर उसके बाद डॉक्टर रवि जी का अनम्यूट कर लीजिए। सर रवि जी, अपने त्यागी साहब अपने को अनम्यूट कर लें। नहीं, अभी अनम्यूट नहीं हुए आप। चलिए, वो मीटिंग छोड़ गए हैं। तब तक डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी, सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार। बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्या सारे प्रकरण की। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि यूरोप में भारत की जो स्थिति बनी उसके लिए बहुत हद तक एक फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर जिम्मेदार है, जो कि भारत में 1656 से 1668 तक रहा, और उसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किताब लिखी, जिसमें उसने भारत की सारी व्यवस्था को उठा करके रख दिया। भूस्वामित्व की स्थिति का राजा के पास जमीन है बल्कि किसी पास नहीं है, किसानों श्रमिकों को मरने के लिए मजबूर किया जाता है, दास बनाया जाता है, भारतीय समाज दरिद्र लोगों का समाज है, इसमें केवल दो ही समूह हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग इसके अंदर नहीं है। यहाँ के खेत झाड़ीदार हैं और यहाँ की उपजाऊ जो मैदान है वो उनमें दलदल है और घातक हैं। यहाँ के शिल्पकारों की स्थिति बहुत ही खराब है, और उन्हें बेचने के लिए सामान बेचने के लिए बाजार नहीं मिलता है। यद्यपि उस समय 15% आबादी नगरीय है, जो यूरोप से कहीं अधिक है, फिर भी वो भारत के नगरों को शिविर नगर नाम से लिखता है, जबकि भारत में उत्पादन केंद्र भी थे, व्यापार केंद्र भी थे, धार्मिक नगर भी थे, बंदरगाहें भी थी। जी इसी प्रकार भारत में महंगाई की बात करता है, अव्यवस्था की बात करता है। सबसे अजीब बात यह है कि ये किताब 1670 में फ्रांस में छपी, और अगले 5 वर्ष में ही अंग्रेजी में, डच में, जर्मन में, इटालियन में अनुवादित हो गई, और कुछ ही वर्षों में फ्रेंच में इसके 8 अनुवाद छप गए और 5 अनुवाद इंग्लिश में छप गए। इससे सारे यूरोप में भारत के प्रति ये गलत अवधारणा खड़ी हो गई, और उसी को लेकर के मार्क्स जैसे लोगों ने इतिहास की व्याख्या की और भारत में संघर्ष की बात शुरू कर दी, इस प्रकार की चीजें शुरू की। तो मेरा ये मानना है कि फ्रांसवा बर्नियर जैसे लोगों ने भारत की जो स्थिति खराब की उसको ठीक करने में इतिहासकारों को बहुत लंबा समय लगा, और जो भी भारत के भारत यूरोप में लोग जाते थे उनको निम्न दृष्टि से देखा जाता था। आपकी बात बहुत सटीक है, लेकिन इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। देखिए, बर्नियर ने लिखा और प्रकाशित हुआ, क्या वास्तव में बर्नियर ने लिखा? जांचना चाहिए हमें। जितना क्रिटिकली हम एग्जामिन करते हैं अपने लेखकों को, कालिदास ने लिखा कि नहीं लिखा, कब हुआ नहीं हुआ, उसने कौन सा कालिदास था, इतना हम बहुत माइन्यूटली जांचते हैं अपने अपने इतिहासकारों को।
इतनी माइन्यूटली हम उनको नहीं जांचते, हम कहते अरे उसने कहा तो कहा होगा। सत्य ये है, ये जो यात्री लोग थे, यूरोपियंस थे, जो भारत आए और भारत से लौट के गए और उन्होंने लिखा, उस वक्त क्या इतनी सुविधाएं थी रिकॉर्डर की? क्या उसके पास डायरी पेन लेके घूमता था जिसमें वो लिखता था? क्या वो नोट्स लेता था? उसके नोट्स अवेलेबल है क्या? किसने उसको संपादित किया, किसने उसको प्रकाशित किया? तब आप देखेंगे कि लगभग यूरोपियन जो आए और जिन्होंने जिनके यात्रा विवरण मिलते हैं वो घूम कर वापस गए, उसके बाद उन्होंने स्मरण शक्ति के आधार पे कुछ लिखा और उसको वो किसी दूसरे ने एडिट किया, उसमें अपने मनमानी चीजें जोड़ी, जो हटानी थी हटाई और पब्लिश किया। कहने का मतलब क्या है, यह सारा प्रोपेगेंडा मटेरियल है, यह हिस्ट्री के स्रोत नहीं है, स्रोत नहीं है। जी ठीक है ना, प्रोपेगेंडा मटेरियल के रूप में जब आप देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, फिर हम आराम से। ये बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है डॉक्टर साहब। नहीं मैं इसमें लेकिन देखिए मार्को पोलो ने कुछ लिखा ही नहीं। मार्को पोलो वेनिस की ओर से रोम से लड़ा और वो युद्ध बंदी था, बंद जेल में बंद था। जेल में जब बंद था तो अपने बगल वाले बंदी को वो कुछ ऐसे ही मनगढ़ंत गप्पे सुनाता था। ये अंदर रह गया, वो छूट गया, जो इसका साथी था। साथी बाहर निकला, उसको लगा बड़े मजेदार बातें बताई थी, मैं लिख डालता हूं। उसने लिख डाला। अब सोचिए वो साथी सावरकर तो था नहीं, कोई नोटबुक तो थी नहीं, सब कल्पना के आधार पर लिखा गया। और इसीलिए जब मैं मार्को पोलो पढ़ रहा था मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, इतना असंगत विवरण, इतना बाह्यात बातें, कोई कैसे लिख सकता है यदि वास्तव में घूमा होगा उस इलाके में? झूठ पर झूठ बन रहा हुआ तो वास्तव में मार्को पोलो कभी नहीं गया उधर, वो दुनिया के अंदर है ये लोग। और जो गप्पे सुनी इन्होंने चाइनीज व्यापारियों से, भारतीय व्यापारियों से और अरबी व्यापारियों से, उन गप्पों को इसने सुनाया अपने साथी को, वो बाहर निकला, उसके ट्रेवल से मार्को पोलो छाप लिया और आज हम मार्को पोलो पढ़ते हैं। उसी समय इटली का एक व्यापारी जोवानी कारेरी भारत से गुजरता है, 1690 में लिखता है कि भारत में सारी दुनिया की क्रांति आकर के गुम हो जाती है, बड़ी धनाढ्यता है और सारे दुनिया से सोना चांदी घूम करके भारत के बाजारों में आ जाता है। लेकिन इन बातों को कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ाया गया, तो पीक एंड चूज के तरीके से जो है इसी को लिखा गया। ये जी तो ये तो जरूर विचार करने का विषय है ही है हम सभी के लिए। तो त्यागी साहब बीच में नहीं है, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो डॉक्टर दयानंद कादियान जी आप कुछ कहना चाहेंगे? दयानंद जी आपने अपने को अनम्यूट किया है। चलिए सर, डॉक्टर रवि जी सर आपका आपके द्वारा की गई समीक्षा। नमस्कार। मैंने सुना और मैं पीड़ित भी हूँ इस बात से कि हमारी सभ्यता को ओहो मेरे भी एको आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। आपको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब बोलिए। हाँ अब ठीक हो गया। तो मैं हम लोग कई लोग जो भारतीय मूल के बाहर रहते हैं वो भी, और जो भारत में रहते हैं वो भी, इस बात से पीड़ित है कि हमारे ज्ञान और हमारे इतिहास को सही जगह नहीं दी गई है। लेकिन हम एक बात तो निश्चित है कि हम हिस्ट्री को नहीं बदल सकते, मतलब जो गतासून गतासूंश्च, जो गया है अब उसके बारे में गतम न मन्ने। तो अब दूसरा प्रश्न ये है कि आगे चलके मेरी एको फिर आ रही है। हाँ सब अगर आप सुनाई देता है तो मेरी बात दो मिनट तक सुन लीजिए,
प्रश्न भी है और कुछ सुझाव भी है, दोनों मिक्स्ड है। तो मैं आपको थोड़ी से एक दो उदाहरण दूंगा कि पिछले 25-30 वर्ष में चीन ने ये निर्णय लिया कि विज्ञान में जितने भी ग्रंथ, जितने भी पेपर्स दुनिया में छप रहे हैं अंग्रेजी में, उन सब का एक निश्चित अवधि में, वो अवधि मुझे मालूम नहीं है पर समथिंग लाइक ए वीक, उसमें उसका ट्रांसलेशन होके चाइनीज में वो उपलब्ध हो जानी चाहिए सब लोगों को। ये एक डिक्टेटरशिप है, वहां वो मनमानी पॉलिसी बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। पर थोड़ी सी चीजें अपने लिए उदाहरण के तौर पे, अगर हमें हमारा विज्ञान अच्छा लगता है, अगर हमें ये देखना है कि बाहर क्या हो रहा है, तो हमको हमारी भाषाओं में उस ज्ञान को उपलब्ध कराना चाहिए। मैं केवल भविष्य की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, पिछले वाले के लिए आपको प्रणाम है और आप जैसे इतिहासकारों की जरूरत है, वो आगे हमको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया क्या और ये सब बताते रहेंगे, वो हम बैकग्राउंड के लिए स्टूडेंट्स स्टडी करते रहेंगे, पर आगे की स्ट्रेटजी इसको ध्यान में रख के मेरे सुझाव हैं। तो एक तो उदाहरण दिया चाइना का, और मैं अपने फील्ड में जो कि स्पेस एरिया है उसमें आपको दावे से कहता हूँ कि मैं जिन बच्चों को मैंने चाइना से आए हुए लोगों को अमेरिका में नासा में मैंने ट्रेनिंग की, एक दर्जन वो लोग आए और उन्होंने वहां जाके क्या कमाल किया है वो देखने लायक है। आज अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं कई फील्ड्स में, जैसे क्वांटम है, जैसे लूनर सैंपल लाना है, अनमैंड एरिया में बहुत आगे बढ़ गए, पृथ्वी को देखने के एरिया में भी आगे बढ़ गए। इसलिए अगर हमको उस इतिहास से प्रेरणा लेके आगे हमारे हिंदुस्तान की छवि को और चमकाना है और यथार्थ रूप में ही चमकाना है, हमको वो धोखेबाजी नहीं करनी है जिसके आपने बहुत उदाहरण दे दिए। हम 75 साल में जितना सा कोर्स करेक्शन कर पाए हैं वो काफी नहीं है, हमको असलियत को सामने लाके लोगों के सामने रखना है। इसके लिए हार्ड फैक्ट्स की जरूरत है, साइंस आर्कियोलॉजी और सब ब्रांचेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी होती हैं, पेलियो वगैरह जो भी, तो सबका क्रोनोलॉजिकल स्टडीज सबका काम में लेना है। हमारी अपनी मार्केट इतनी बड़ी है इंडिया की कि यहाँ के विद्यार्थी शोधकर्ता और यहाँ के पब्लिकेशंस अगर इस बात को प्रायोरिटी पे ले लें तो बाकी का काम आगे का आसान हो जाएगा और हम भी प्रगतिशील रूप में हमारे इतिहास को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रख सकेंगे। हमने यहाँ पर पिछले 2-3 महीने में जो मैंने अटेंड किए हैं उन संगोष्ठियों में हमने ये कई बार प्रूव किया, रमेश वर्मा जी भी होंगे और लोग भी होंगे जिन्होंने बोला है कि हमारे दर्शन शास्त्रों से ही केवल मात्र हम ये प्रूव कर सकते हैं कि न्यूटन लॉ के पहले हमारे यहाँ ये सिद्धांत थे, पर इनको डॉक्यूमेंट करना, इनको हमारे इंटरनल एक्सेप्टेंस करना, इंटरनली इंडिया में पब्लिश करना और फिर बाहर जाके भी कोशिश करना। मैं ऐसी एक प्रयास में लगा हुआ हूँ जहाँ की वेदों में जो विज्ञान है उसका एक्सेप्टेंस वेस्टर्न जर्नल्स में हो जाए। इंडिया के जर्नल में डेफिनेटली पब्लिश कर सकते हैं वेदों पे ढूंढेंगे तो, और पर विदेश में रिजेक्ट हो जाते हैं आर्टिकल्स, एक्सेप्ट नहीं होते। तो उस धारा को बदलने के प्रयास चल रहे हैं। हिंदुस्तानी वैज्ञानिक बाहर जाके विदेशी भाषा सीख के उस संस्कृति से जुड़े हुए अन्वेषण में काम करके वहां पब्लिश कर रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन गए हैं, प्रोफेसर भी बड़े बड़े हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया से जैसे चाइना एज ए कंट्री से है वैसे करें तो कोई तुलना ही नहीं। तो ये मेरी 3-4, मैंने एक छोटा सा भाषण दे दिया, मेरा केवल उद्देश्य ये है कि आगे हमको क्या करना है उसकी रूपरेखा बने, उसमें आप सबका मार्गदर्शन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रणाम। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस पर काफी काम किया जाना चाहिए। डॉक्टर आप खड़े हुए हैं,
पवन सेठी जी, इंदु शर्मा जी, पवन जी बोले, नमस्कार सर, आप सबको बहुत बहुत बधाई। पिछले दो जो सेशंस हुए हैं काफी अच्छे हुए हैं, और खास तौर पे इंडोलॉजी को एक दूसरे रूप में देखने के कारण तो भी कुछ प्रश्न उठते हैं दिमाग में। एक प्रश्न तो ये उठता है कि 75 वर्ष आजादी के बाद के हमारे पास इन सब बातों को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की कमी नहीं थी, फिर भी क्यूरिकुलम में जो पढ़ाया गया वो बहुत एंग्लिसाइज्ड हिस्ट्री थी, तो उसके ऊपर प्रयास अब भी क्यों नहीं हो रहे और तब भी क्यों नहीं हुए? एक तो ये है, और क्योंकि आप जैसे मैं ही हूँ, तो मैंने आज मेरी उम्र 70 साल की है, जब मैं CBSE के कोर्स में पढ़ रहा था तो मुझे जो हिस्ट्री पढ़ाई गई थी, और आज जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ जो नए चीज़ें जो हम, और ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि कुछ नेशनलिटी और जो है नेशनलिज्म, और इसके अलावा जो है हिंदुइज्म की तरफ जो है रुझान के कारण, तो मुझे अब गर्व का जो एहसास होता है वो पहले कम तरी के एहसास में था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या एफर्ट किया जाए कि जो आने वाली जनरेशन में एक तो ये कम तरी के एहसास ना हो, दूसरा ये है कि पिछले आज की डेट में जो मैं एक आर्टिकल पढ़ा था कि फर्टिलिटी रेट जो है थ्रू आउट वर्ल्ड जो है वो गिर रहा है, जिसको बेबी बस्ट बेबी बूम की बात की जा रही है, आने वाले टाइम में लेबर जो है हिंदुस्तान जैसी जो कंट्रीज हैं वहां से जाएगी। अगर क्या ये नहीं हो सकता एक रिवर्स सिस्टम की, जिस तरीके से हमारे सब कुछ चीजें जो है अंग्रेजों ने बदल दी अपनी बातें समझा कर, तो आज की डेट में हमारा हर वर्कर जो बाहर जाए वो हिंदुस्तान का एम्बेसडर बन के जाए, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की जो पहचान है उसका एक प्रकार से प्रोटोटाइप लेकर जाए। और दूसरा प्रश्न ये है कि मैं एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री लिख रहा हूँ जिसका उन्मान है कि आर्यंस इन्वेजन माइग्रेशन और नेटिव्स, तो उसके लिए मुझे कुछ सहयोग की आवश्यकता है। कुछ पुस्तकों के नाम अगर आप मुझे सजेस्ट कर सकें या आप भी उसमें जुड़ सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। एक दो दिन में होने वाला काम है, उसमें लंबा समय लगेगा, और इसीलिए भारत सरकार ने प्रयास किया भारतीय पारंपरिक ज्ञान को शामिल करने का, और इस पर पूरे देश में प्रशिक्षण प्रारंभ हुए हैं। और अभी जो तंत्र है वह तंत्र इससे भिन्न नहीं है, वो जानता भी नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, रसायन शास्त्र है, तो भारतीय जो रसायन शास्त्र है उसके बारे में जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर है उनको कोई जानकारी नहीं है, आयुर्वेद वाले थोड़ा बहुत जानते हैं। तो एक बार पहले फंडामेंटल्स सबके पास पहुंचे, यह प्रयास आज शुरू हो गया है, पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में इसके ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गए हैं। तो यह प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें समय लगेगा लेकिन ये उस दिशा में बढ़ना शुरू हुआ है, तो कभी ना कभी जरूर पहुंचेंगे शीघ्र ही। और बाकी बाकी प्रयास करने की जरूरत है। डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा जी, मैं सभी को नमन करता हूं, विद्वान जनों को। आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सारी नई बातें हमारे ज्ञान में आई। मेरी भी ये जिज्ञासा है कि क्या कोई ऐसा सामूहिक प्रयास हो सकता है कि हम सही इतिहास को जल्दी से जल्दी पूर्ण कर पाएं, और दूसरा कितना और समय लगेगा कि उस सही इतिहास को हम जो युवा लोग हैं उन तक जो है पहुंचा पाए। इसके जहां तक संकलन के सवाल है तो आचार्य रामदेव जी से लेके भगवत दत्त जी से लेके और गुरुदत्त जी ने काफी इस बारे में प्रयास किए हैं, पर उनके कार्य को जो जिज्ञासु जन है वो ही जान पाते हैं, वो कॉलेजों में नहीं पढ़ाए जाते। तो कुछ ऐसा बनना चाहिए कि जो भी इस तरह के विचार रखते हैं उनका एक समूह बने, और वो समूह जो है अपनी बात को
भारत सरकार से कहे जिससे कि वो जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए सरकार अपने ढंग से काम करेगी, लेकिन हमारे पास रिसोर्स मटेरियल हम इकट्ठा करके रखेंगे और वो इस फॉर्म में रखेंगे कि कल को सरकार को उसको बदलना हो तो वो उपलब्ध हो जाए, तो ये हो सकता है। और मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी प्रक्रिया प्रारंभ भी हुई है, मैं ये निराश नहीं हूँ, गति धीमी है लेकिन वो शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, समय लगेगा, होगा। और जहां तक सामूहिक प्रयास का प्रश्न है, देखिए आशुतोष जी एक सामूहिक प्रयास ही तो कर रहे हैं, हम लोग एक सभ्यता दिन के लिए चला रहे हैं, वे भी एक सामूहिक प्रयास, ऐसे ढेरों प्रयास खड़े होंगे, आप भी एक सोच संस्थान चला रहे हैं, वो भी एक अच्छा प्रयास, ऐसे ढेरों प्रयास चलेंगे, ऐसे ढेरों प्रयास चलेंगे जी। डॉक्टर इंदु जी, और फिर किसी की और भी कोई टिप्पणी हो तो कृपया आप जल्दी से कर लीजिए ताकि फिर हम धन्यवाद ज्ञापन कर सकें। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। एक तो आज आपकी साउंड डबल आ रही है प्रोग्राम की, पता नहीं क्यों है ना, आवाज गूंज रही है तो बहुत इको बहुत बढ़ रहा है इसका, स्पष्ट आवाज नहीं आ रही। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, वास्तव में चिंतन का है। इसमें ना जो विक्रमादित्य का आगे का जो इतिहास है वो तो संस्कृत में ही उपलब्ध है, लेकिन जैसे कि और चाहे विज्ञान के स्तर पे हो चाहे ना और किसी स्तर पे हो, जैसे कि हम ना चरक संहिता ले सकते हैं, सुषुप्ता ले सकते हैं और सूर्य सिद्धांत है, वैमानिक शास्त्र पे आपने अच्छी खासी सेमिनार कराई थी, वो एक विज्ञान का बहुत बड़ा प्रमाण है ना, संस्कृत ना प्राचीन भारतीय इतिहास का है ना। तो लेकिन स्थिति क्या हो रही है, वो संस्कृति अब ऑप्शन में आ गई, तो जब ऑप्शन में आ गई तो उसको पढ़ेगा कौन, उसको समझेगा कौन, उस भाषा का ज्ञान कैसे होगा, मेरे को जो ये समझ में नहीं आ रहा, तो भारतीय प्राचीन इतिहास का पता कैसे चलेगा, वही जड़ें काटी जा रही है, तो फिर अपने देश का जो संस्कृति उसका अस्तित्व भी मेरे हिसाब से खत्म ही हो रहा है। अब इसमें जब इतने इतने विलक्षण चीजें हैं अपने साहित्य के अंदर, संस्कृत साहित्य में, लेकिन वहां पर सब कुछ ऑप्शनल हो गया, आप कुछ भी ले सकते हो उसके विकल्प में, पहले कंपल्सरी था, सबको पढ़ना जरूरी था, तो छोटा मोटा ज्ञान तो संस्कृत का सबको ही होता था। और मैंने कहीं ऐसा भी पढ़ा कि जो नालंदा और उस समय की जो पुस्तकें थी है ना, वो आज भी है ना, जैसे जापान और चीन के अंदर उनकी पांडुलिपियां उपलब्ध है, वो बोलते हैं कि हमारे पास है और भारत का ज्ञान है, हम उसी को उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसको बस ऐसे जी, ये बात तो ठीक है आपकी है ना, लेकिन वो ज्यादा है ना, बहुत सारे परिवर्तन है ना, जब मैंने काफी खोजबीन करी तो उसमें तो वो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनको भी पूरा पढ़ा नहीं गया पांडुलिपियों को, बस मेरा तो यही कहना था प्राचीन इतिहास संस्कृत में ही है, तो उसकी भी रक्षा होनी चाहिए भाषा की। धन्यवाद। धन्यवाद। जो जो हम प्रयास कर सकते हैं अपने अपने स्तर पे वो तो करें, बाकी तो फिर बहुत बड़ी बातें हैं, वो तो जब होंगी तब की बातें हैं, लेकिन अपना उद्यम अपना पुरुषार्थ हम करते रहें। किसी और की कोई टिप्पणी हो तो डॉक्टर साहब, इस विषय में एक सूचना है कि भारतीय इतिहास संकलन योजना दिल्ली पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास के लेखन का कार्य कर रही है और उसकी हरियाणा इकाई ने छठी से दसवीं तक की बोर्ड की जो किताबें हैं वो नए ढंग से लिख दी है और वो लागू हो गई है पिछले साल से। चलिए इसको भी किसी वक्त देखेंगे कि क्या परिवर्तन किए हैं, इस विषय को हम टेकअप करेंगे, क्या वस्तुतः क्या परिवर्तन आए हैं, क्योंकि वो जिस तरह का सेट पैटर्न उन्होंने दे दिया हुआ है लेफ्टिस्ट लॉबी ने, तो उससे बाहर जाकर के उसमें जो अभीष्ट परिवर्तन है उसको जरूर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए डॉक्टर रमेश जी, सर धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, लेकिन साथ ही जो इतनी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वेलकम है, और हम सब अपनी पीड़ा को भी महसूस करते हैं कि 75 वर्ष जो पीछे बीते हैं
खास तौर पे 10 साल से पहले वाले 2014 से पहले, वो तो लगता ही है कि इंटेंशनल है जो नेहरूवियन डिवाइड बिटवीन मॉडर्न करिकुला और हमारी रूट्स हैं उनके साथ, वो रिस्पॉन्सिबल है एक नई क्लास को पैदा करने में, कर चुके हैं। पिछले 4 जनरेशन हमने खो दी हैं जो इंटेलेक्चुअल सिज़ोफ्रेनिया बौद्धिक पागलपन से पीड़ित हैं, क्योंकि जो भारत हमें पुस्तकों में पढ़ाया गया और जो जिस भारत में हम जी रहे हैं उनका कोई एक टाइम कोई मैच नहीं है शुद्ध। वो हम सब उससे निकल भी आए हैं, कुछ लोग नहीं निकल रहे हैं। मेजोरिटी अभी भी जो इंग्लिश एजुकेटेड एलीट है उसी से सफर कर रही है और अनफॉर्चुनेटली इकोसिस्टम उसी के हाथ में आज भी है। तभी हमें अपनी अच्छी चीज़ों को भी डिफेंड करने में बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी और हम लगा भी रहे हैं। तो इस धन्यवाद के साथ मेरी 2-3 छोटे से यानी जिज्ञासा भी हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्वेश्चन मेरे लिए रेलिवेंट है या नहीं। मैं पुराणों का थोड़ा बहुत अध्ययन करता रहा हूँ, इसमें एक श्वेत द्वीप का वर्णन आता है जहाँ से मग ब्राह्मण ने आकर के पर्टिकुलरली कृष्ण पुत्र सांप के लिए जब उनको कोड हो गया था शायद उसके लिए उनको बनाया गया और वो सूर्य उपासना शुरू हुई। इस पर मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है तो मैं चाहूँगा कि वक्ता इस पर दे पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ बहुत सारे अच्छे मुद्दे होते हुए भी जिस ढंग से हमारी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया वो हम मेजोरिटी सहमत हैं, लेकिन इन बिटवीन कुछ जो अच्छी कंट्रीब्यूशन हुई हैं उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जेम्स प्रिंसेप का योगदान ब्राह्मी और खोस्टी लिपि को डिकोड करने में, क्या हम उसको ऐसे ही फेंक देंगे कि ये भी बायस्ड एफर्ट थी? एक तो ये होता है। इसी तरीके से पार्जेटर ने जितना वॉल्यूमिनस वर्क सभी पुराणों को अध्ययन करके वंशावली हमारे सामने रखी है, हम उसे हियर एंड देयर डिफर तो कर सकते हैं बट ऐसी कोशिशें हम अपने लेवल पे कभी भी नहीं कर पाए और अब भी शायद ढंग से नहीं हो पा रही हैं। लास्टली बहुत सारी आर्कोलॉजिकल साइट्स को हमारी अजंता एलोरा जैसे कितने टेम्पल्स को जो जंगलों में किसी तरीके से छुपे हुए थे, कारण चाहे इस्लामिक इन्वेजन का हो और भी हो सकते हैं, लेकिन उनको भी प्रकट करने का श्रेय सो कार्ड या विदेशी जिन्होंने हमें रूथलेसली रूल किया है उनको जाता तो है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आप इनको कैसे फिट इन करेंगे? पर्टिकुलरली मैं ये रविशंकर जी से सुनना चाहता हूँ। जी रवि जी। जी बिल्कुल। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैंने ये कभी नहीं कहा। कोई भी काम व्यक्ति करता है तो उससे कुछ ना कुछ लाभ तो होता ही है। उन्होंने जो किया उससे बहुत चीजें सामने में आई, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन उन जो चीजें सामने आई उसका उन्होंने जो उपयोग किया और जिस प्रकार से इंटरप्रेट किया उसका बहुत नुकसान हुआ। तो यदि अशोक का इतिहास सामने में आया तो इसके कारण विक्रमादित्य को नकारने का कारण नहीं था। आप जो कंट्राडिक्शंस क्रिएट करते गए वो जब प्रिंसेप ने ये खोज के निकाला, जब निकल तो गया था कनिंगम के ही समय में, लेकिन बाद में प्रिंसेप ने उसको ज्यादा ये शुरू किया और मार्शल के समय में ज्यादा हुआ था। ये सिंधु घाटी सभ्यता आई तो उन्होंने उनको अलग नामकरण करने की आवश्यकता नहीं थी। वो ये कह सकते थे कि जो यहाँ पर एक लिटरेरी एविडेंस मिलता है एक सिविलाइजेशन की, लंबी सिविलाइजेशन की, उसके एविडेंस मिल रहे हैं। तो वह ईमानदारी नहीं है नियत की। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं निकाला भाई, अब वो खोज पछाड़ कर रहे हैं, कुछ मिलेगा ही मिलेगा और उसका कुछ ना कुछ हमें जानकारी भी मिलेगी, लेकिन उस जानकारी को हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं उनके योगदान को नहीं नकारता हूं, लेकिन उसको जिस ढंग से उन्होंने रखा उससे जो नुकसान हुआ है मैं उस बारे में अवश्य बात करता हूं। आगे तो भी सभी ने ऐसे किया, कुछ उसमें ऑनेस्ट लोग थे ही नहीं, कुछ एक रहे भी है, बिल्कुल रहे, सारे कैसे ऐसा हो सकता है। 100% तो कुछ खराब नहीं होता, 100% कभी नहीं, सब अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पहले जो लोग लिख रहे थे सब अच्छे ही लिख रहे होंगे, उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं की होगी, आज जो लिख रहे हैं सारे गड़बड़ करेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक मेजोरिटी पोर्शन जो था उसका ऐसा दिखता है जो हमें सामने में मिलता है, क्योंकि उसके विपरीत बातें सामने में बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं। अब आर्कियोलॉजी को लेकर मेरा जो सबमिशन है वो यही है कि वो ठीक है, उससे जो चीजें आती हैं उसको प्राइम सोर्स नहीं, प्राथमिक स्रोत नहीं मान सकते हम, उसको हम सेकेंडरी सोर्स के रूप में लेना चाहिए। और उसको डिकोड करने में जो हम कल्पनाएं प्रयोग करते हैं उसके में लिटरेरी एविडेंसेस को हमको प्रयोग करना चाहिए।
हम जो नकार करते थे, कोई भी कश्मीर का इतिहास लिखेगा तो नीलमत पुराण को आप माइनस करके चलेंगे तो कैसे लिखेंगे आप? बिल्कुल। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी आ रहा है तो आप नीलमत पुराण का प्रयोग कीजिए। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट का नामकरण किया था फर्डिनेंड वॉन रिक्थोफेन ने, जो एक जर्मन ज्योग्राफर था। वो जर्मनी में था, वो जाके चाइना में रहा कई एक दशक से ज्यादा समय रहा, उसके बाद उसने इस रूट का नामकरण किया। उसके बाद के लगभग जितने ज्योग्राफर हैं या फिर जो भी सिल्क रूट पे लिख रहे हैं, कम से कम 4-5 नाम मैं दे दूंगा जो इस बात को कह रहे हैं कि ये नामकरण गलत है, सिल्क रूट इसका नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिल्क बहुत छोटा पोर्शन है वहां पर व्यापार का, पहला। दूसरा, वो कभी चीन तक नहीं गया, वो सिक्यांग तक था, सिक्यांग चीन में कभी रहा नहीं। केवल तांग डायनेस्टी के समय में जब ललितादित्य का शासन था तो ललितादित्य ने और तांग डायनेस्टी के बीच में एक समझौता हुआ और ललितादित्य ने तिब्बत पे पूरा शासन लिया और उनको तांग डायनेस्टी को दिया कि आप यहाँ पर सिक्यांग पे शासन करेंगे, वह एक कालखंड छोड़ दें तो वहां पर हमेशा वो भारत के प्रभुत्व की जगह है। तो चीन में कभी रहा नहीं, उसको चीन से और उसका जोड़ दिया और उसको सिल्क रूट नाम दिया हमने। तो यह इसलिए हुआ क्योंकि उसको भारत का लिटरेचर पढ़ना नहीं था, उसने पढ़ा ही नहीं भारत का लिटरेचर। और वराह मिहिर ने इसको उल्लेख किया है। और एक और बात बताऊं, लिटरेचर ये लोग कैसे जानबूझकर आपकी उपेक्षा करते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुए हैं सैमुअल हंटिंगटन, उन्होंने किताब लिख दी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, पूरे विश्व का लिखा है, भूमिका पढ़िए उसको, उसमें वो लिखते हैं पूरे विश्व में घुमार सबसे बड़ा चर्चा की, केवल हिंदुइज्म का मैंने उनसे संवाद नहीं हुआ। हिंदुइज्म, अरे मानवता का सबसे बड़ा पैरोकार हिंदुइज्म है भाई, आप उसी से संवाद नहीं कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लगातार हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी वाली कोई सिविलाइजेशन है वो हिंदुइज्म है। चाइना का कोई हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी नहीं है, वो गायब है, चाहे कितना भी वो प्राचीनता की दुहाई दें, प्राचीन से लेकर बीच में बड़ा गैप है। ग्रीस से कितना भी आप कहें, मैंने कहा ना उसका कोई गैप है, बहुत लंबा गैप है, उस वक्त कुछ किया होगा उन्होंने प्लेटो ने, लेकिन लगातार बीच में 2000 साल उसको पढ़ कौन रहा है, कोई भी नहीं। हमारे यहाँ लगातार पढ़ रहे हैं एक दूसरे, हम बढ़ा रहे हैं और उससे आप संवाद नहीं कर रहे हैं और इतनी बड़ी किताब लिख रहे हैं, तो उनके मोटिव में तो संदेह होगा ही होगा। उनके तरीकों को हम मना नहीं कर रहे, उनके टूल्स को हम इनकार नहीं कर रहे, उन टूल्स का हम इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें और सही नियत से करेंगे, हम अच्छा इतिहास ला सकेंगे। इस मामले में एक छोटा सी मेरी ये कमेंट है कि जब बीच में एनसीईआरटी की बात भी की गई, आपकी सभी चीजों से मैं सहमत हूँ जी। अब तो हमारे पास फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, मैं इन दिनों एक किताब पढ़ रहा हूँ, Imperishable Seed by Bhaskar Kamble. This is on how Hindu mathematics changed the world and why this history was erased. इसके अंदर वो पेज नंबर 365 में एनसीईआरटी के एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट का जिक्र कर रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1982 से यह जो परंपरा चल रही है और हमें नीरज अत्री जी का भी धन्यवादी होना पड़ेगा और हम हैं कि उन्होंने ये एक्सपोज किया कि जो भी एनसीईआरटी बोल रही है मोस्ट ऑफ द चीजें जो क्वेश्चनेबल है उसके वो एविडेंस दे ही नहीं पा रही है, फिर भी आज वो चली आ रही है, जैसे कि आपकी शीट पर नजर भी आ रहा है यहाँ। इसमें उन्होंने लिखा है कि 17 जनवरी 1982 को इंडियन एक्सप्रेस में ये पब्लिश्ड है कि एनसीईआरटी इन द नेम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बहुत कुछ ये डिसाइड कर चुकी है कि टू वीड आउट अनडिजायरेबल टेक्स्ट बुक एंड रिमूव मैटर व्हिच इज प्रिजस टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड 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 and unity, इसमें particularly वो कह रहे हैं over glorification of country past is forbidden. ये एक किस्म से dictate है जो शायद आज भी ना टूटा हो. The Gupta age can no longer be referred to as the golden period of Hinduism. Muslim rulers cannot be identified as foreigners except for early invaders. Aurangzeb can no longer be referred to as the champion of Islam and Shivaji cannot be over glorified in these books. और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये देख करके दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि पिछले 10 साल में भी हमें ये चीजें बुक्स से हटी हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। तो और अब जो ये नया रिजीम शुरू हुआ है इसकी हम कमजोरियों को भी समझ रहे हैं क्योंकि कोलेशन के गवर्नमेंट है, तो लगता नहीं है कि हमने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज पिछले 10 साल में खो ही दी है? एक तो ये मुद्दा और हमारे पास इस चीज के और भी एविडेंस है। कुछ आपने भी जो अभी बोले हैं वो मुझे फॉर्चुनेटली एक किताब मेरे हाथ लग गई, असत्यमेव जयते, अभिजीत जो उसने ये बड़े गंभीरता से जो कुछ मुद्दे आपने जो
कहे हैं उसके अंदर उठाए हैं उन्होंने, वो शुरू यहीं से कर रहे हैं कि आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत का थोपा गया हमारे ऊपर, उसका जवाब दे रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं प्रभाव और अपमान, ये हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि हमने जो रजिस्ट किया कहीं हम जीते भी उसका कोई जिक्र नहीं मिल रहा है, जैसे आपने भी विक्रमादित्य जी की बात की और राजा भोज की बात की, ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे। सिर्फ हमें यही बताया गया कि हम पिटते रहे और बाहर वाले लोग हमें आके छुपाई करते रहे, और अभी जो हम जहाँ आशुतोष जी ने जो भाया नहीं वो हुआ नहीं, ये एटीट्यूड से आज हम सारी किताबों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। और फिर आपने अशोक और अकबर की बात भी की है, वो सच में कितने महान थे ये भी डिबेटेबल है। और लास्टली जो आजकल भी चल रहा है, नहीं सूफीज तो बहुत अच्छे थे, इन सूफियों ने क्या किया है, उसका सत्यानाश जो हमारे उसका समाज का किया है, बहुत अच्छे ढंग से अभिजीत जोग जी ने इस पुस्तक में वर्णन किया है जी। और भी कुछ लोग आज उठ रहे हैं, बट ये हमें जो हमारी, बेशक आपने जिक्र किया कि यूनिवर्सिटीज कॉन्टेक्ट हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटीज, मैं खुद पूरी जिंदगी यूनिवर्सिटीज से बता करके रिटायर होकर आया हूँ, कि कोई वहाँ ऐसे एफर्ट सीरियसली हो रही हो। और यदि हम कभी बात करने की कोशिश भी करते हैं थ्रू आउट लाइफ, हमें अपोजिशन तो मिली है। आज भी एक सिग्निफिकेंट ग्रुप है वो इस बात को बढ़ने भी नहीं देना चाह रहा, वो फॉर्मर मेंबर्स हैं। बिल्कुल ठीक है, देखिए ये बहुत तंत्र जो है लगभग 100 वर्षों में बना है, और इसको तुरंत आप ऐसे नहीं तोड़ सकते, मतलब बहुत इच्छा शक्ति हो, जैसे अभी उन्होंने उदाहरण दिया था चीन का, तो तोड़ भी दें। लेकिन मैं जो रीड कर पा रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं, कि यह जो सरकार है ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहती है, तो इन्होंने शुरू किया, एनसीईआरटी का लेखन शुरू हो गया है, काफी कुछ लिखा जा चुका है, कई पुस्तकें वो उन्होंने रिलीज की, बिलो 5 कर दिया है, 6 से 10th का अब करेंगे, से वो उसमें काफी काम उन्होंने कर दिया है। मैं देख नहीं पाया उन्होंने क्या काम किया है और उसमें वो कितना ठीक है, ये भी मैंने अभी नहीं देखा है, आशा कर सकते हैं कि शायद कुछ किया होगा। तो शुरुआत हुई है, अब देखते हैं क्या हो सकता है, हो सकता है इनके माथे ये यस नहीं है, किसी और के माथे ये यस जाएगा, तो हम लोग आशा कर सकते हैं चर्चा हो और समाज में जो चर्चा हो, इवॉल्व होकर राज्य में डॉक्टर साहब ने बड़े रेलिवेंट पॉइंट्स उठाए हैं और विचारणीय हैं। जल्दी से बहुत ब्रीफली डॉक्टर नरेंद्र जी और उसके बाद जी नरेंद्र जी बहुत संक्षेप में एक बार आप अपना एक तो अभी मेरे मन में भी आ रहा था, भाई साहब ने नाम ले ही दिया, असत्य में जयते संजोग से इस पुस्तक के विमोचन में भी मैं उपस्थित था। मैं एक विशेष बात की ओर ध्यान दिलवाना चाह रहा हूँ, रवि जी के पास शायद जानकारी होगी, हम सभी पंडित भगवतदत्त जी जो है डीएवी कॉलेज लाहौर में जो है अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष रहे, उन्होंने लगभग 7,000 पांडुलिपियों का संग्रह किया, उसके ऊपर लंबी चर्चा है, बहुत सारी पुस्तकों में भी मैंने करा, और राजेंद्र जिज्ञासु जी जो आर्य समाज के हैं अभी वयोवृद्ध है, उनसे भी मेरी चर्चा हुई, वो सारी पुस्तकें जो है वहां से कैसे वो सारी आई और वो सुरक्षित आई, अब जानकारी जो मेरे पास है वो पटियाला यूनिवर्सिटी में एक विभाग है वहां पर है, मुझे लग रहा है आपके शायद ब्रदर भी वहां, एक बार मेरी फोन पे थोड़ी सी चर्चा हुई थी आशुतोष जी आपसे, तो उसके ऊपर भी कुछ काम किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक खजाना है, वो कैसे वो जो है सारे जो बैग थे वो उन बैग में जो है वो सारी रख के और उन के ऊपर लोग बैठ के वो पहले जो है अपना जलंधर में आई, फिर वो कैसे आगे पहुंची, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन वो बहुत बड़ा एक खजाना था जो वहां से बड़ा सुरक्षित बचा के आ गया, तो उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। जी जी, VBRI में है, होशियारपुर में, अभी भी बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट हैं। जी डॉक्टर साहब, अंतिम टिप्पणी डॉक्टर रवि जी की और उसके बाद धन्यवाद करके हम पूर्ण करेंगे। अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब। रवि जी सॉरी मैक्स ब्यूलर का कंट्रीब्यूशन इनसिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि ब्रह्मा के बाद वेद का
क्लासिफिकेशन वेदव्यास जी ने किया, उसके बाद में हम आते हैं तो हम काफी नीचे के हमको सायन और इस तरह की चीजें मिलती हैं, फिर उसी परंपरा के लोग मिलते हैं, शंकर डेफिनेटली मिलते हैं। वेदों में ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन बहुत कम मिलता है, महामहोपाध्याय मधुसूदन जी ओझा का मिलता है। पर खैर, लंबी बात करने से पहले एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैक्स म्यूलर ने हमको प्रिंटेड फॉर्म में, चाहे वो अंग्रेजों को बेवकूफ बना के या वो हमको बेवकूफ बना के, किसी तो से 9 मिलियन पाउंड्स उस समय ब्रिटिश एम्पायर के खर्च करवा के उन्होंने वेदों को एक बार प्रिंट करवा दिया, चारों वेदों को, कई ब्राह्मण ग्रंथों को, जो भी उपलब्ध थे वो उपनिषद। अब कई तो खो गए, उनमें से हमको मालूम भी है कितने खो गए हैं, काफी नहीं भी मालूम है। तो उसी पद्धति में मैं ये कहना चाहूंगा कि लाहौर भी जुड़ा हुआ है उससे। जब मैक्स म्यूलर ने अपने काफी दूत भेजे थे अलग अलग विषय में, तो एक महामहोपाध्याय पंडित शिव दत्त जी कुदाल होते थे, हमारे बहुत बहुत डिस्टेंट रिलेटिव थे। उनके पास मैक्स म्यूलर का आदमी आके कौमुदी से संबंधित व्याकरण की ज्ञान को और पुस्तकों को लेके गया था ये। पर जब मैं डॉक्टर फतेह सिंह जी के पास मैंने थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए वेद पढ़ने का मौका मिला था, जो कि पीलीभीत के राजा, जिनका मैंने पहले भी मेंशन किया है, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को भी स्टडी करके ट्रांसलेट किया था, उन्होंने और पुलिस जी ने मिलके जो संगोष्ठियां की वेद पर, वहां होशियारपुर के ही काफी विद्वान आकर उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो आशुतोष जी हमको बताएंगे कि किस ढंग से वहां के ग्रंथ आदि सुरक्षित है और उनमें कितने काम में लिए जा रहे हैं, कितनी कॉपियां बनी हुई है। बस ये मदद है। चलिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। अभी रवि जी के समय हो रहा है तो उनको हमने, चलिए मैं औपचारिक रूप से अब धन्यवाद कर देता हूँ, और आप सब की ओर से कि डॉक्टर रवि जी ने जिस तरह से हमारे सामने नई बातों को रखा, देखने का तरीका जिसे हम दर्शन अक्सर कहते हैं, देखना सिखाया कि हमारे देखने में कहाँ कमी है, कौन से आयामों को हमें और विस्तृत करना है, तो उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और वाकई ऐसे मित्रों की उपलब्धि जो है वो जीवन को सफल भी बनाती है, वो आपको रुकने नहीं देती। तो मैं इस बात के लिए अपने को बहुत गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि आप जैसे मित्र मिलते हैं जीवन में, जो दूसरे खुद भी प्रेरित रहते हैं और दूसरों को उत्साहित भी करते हैं। तो मैं इसलिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार। और साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, उन सब के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं पूर्ण करते हैं, और जल्दी ही दोबारा अन्य विषयों के लिए हम मिलेंगे, जिनमें से भारतीय मानस शास्त्र और ये डार्विन फ्रायड और इनके ऊपर भी हम लोग भारतीय दृष्टि से चर्चा बहुत जल्दी करेंगे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू एवरीवन। आप लोग जी मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।